नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरहियानं नमो वस्यायानं नमो लोए सब साहुनं ऐसो पंच नमकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सब्वे सेम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदे क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंद स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वत्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। विद्राग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत हर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने के हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो। निज स्वभाव से सदगुरु आगुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्म तमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वंदे तैत्र
पुरुष कोटि देवगण। विश्व हितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशिषम्। सिद्ध स्वरूपे मूर्तमो गलते भूल को माफ दो। व्यवहार सदबुद्धि हो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद सबकी तरफ से। अध्यात्म विज्ञान वो अध्यात्म प्लस विज्ञान है। अध्यात्म शब्द पर्टिकुलर आत्मा के साथ जुड़ा है और विज्ञान शब्द बाकी के पांच तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है। और अध्यात्म विज्ञान का मतलब मुक्ति का विज्ञान, और अकेला विज्ञान शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो भौतिक विज्ञान हो गया। और दोनों के बीच फंडामेंटली प्रिंसिपली कोई डिफरेंट नहीं है। विश्व के महान साइंटिस्ट पूरे विश्व के अंदर ये सूर्य चंद्र ये स्टार्स
ये सब ग्रह और बाकी के पांच जो तत्व हैं उससे बनी हुई अवस्थाएं और ये पांच तत्व का क्या रोल है दुनिया के अंदर, ये तो हमारे भौतिक विज्ञानी बताते हैं। और जो भी बताते हैं, जितना भी बताते हैं अनुभव के आधार पे, इतना तो सही है ही। हो सकता है आगे उसको बहुत जानना बाकी है भौतिक विज्ञान के अंदर भी, मगर हम यही भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान के बीच समन्वय करना चाहते हैं। अगर आत्मा के बिना हम विज्ञान की बात करेंगे तो वो सिर्फ भौतिक विज्ञान होगा, और अगर आत्मा के साथ विज्ञान की बात करेंगे तो आध्यात्म विज्ञान होगा। क्योंकि आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है ये दुनिया का ऐसा सनातन सत्य जानना ताकि मैं खुद जन्म मरण से बंधन से मुक्त हो जाऊं, कर्मों की माया जाल से मुक्त हो जाऊं और मैं परम शांति और परम सुख का परमानेंट अनुभव करूं। इसी का नाम है आध्यात्म विज्ञान, जिसमें आत्मा के बारे में भी सब कुछ जानना अनुभव करना जरूरी है और बाकी के जो पांच तत्व हैं, जिसको हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं, जिसको हम बाह्य जगत बोलते हैं, जिससे ये सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भरती ओट ये सब होता है, तेजी मंदी और ये कुदरत की रचनाएं, कुदरत की अवस्थाएं और कॉज एंड इफेक्ट, ये सब विज्ञान ही तो है। अगर ये बात हमको खास ध्यान रखने की चीज है कि जो कॉज एंड इफेक्ट होता है वहां आत्मा की हाजिरी के बिना कॉज भी नहीं होता है, इफेक्ट भी नहीं होता है। और कॉज इफेक्ट के अलावा जो हम कुदरती रचना और कुदरती अवस्थाओं की बात करते हैं वो बट नेचुरल है, उसमें कॉज इफेक्ट नहीं होता है, वहां टाइम साइकिल के आधार से काम होता है, टाइम स्पेस गति सहायक स्थिति सहायक उसके आधार से काम होता है। तो कहने का मतलब ये है ये जो पूरी सृष्टि है, यहां दिन है तो दुनिया में कोई और जगह रात है और यहां रात है तो कोई और जगह दिन है, तो ये गति सहायक तत्व, गति सहायक तत्व का रोल स्थिति सहायकता के आधार से है। जैसे सूर्य पृथ्वी की इर्द गिर्द घूमता है वैसे पृथ्वी भी अपनी धरी पे घूमता है, ऐसे दिन रात होता है। तो ये दिन रात होना, ठंडी गर्मी बारिश होना, ये सब कुदरती रचना है और ये कुदरत का विज्ञान है। और ये विज्ञान समझोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि विज्ञान का मतलब होता है जो कुछ भी है वो कुदरत का ही है और कुदरत का ही रहेगा। और हमको इस दुनिया में जो जन्म धारण करना पड़ा या तो जन्म लेना पड़ा या तो जन्म प्राप्त हुआ, इसका एक ही मतलब है कि हम दुनिया के अंदर ऐसा कुछ हमने कॉज डाला है जो दुनिया की भौतिक चीजों के साथ जुड़ी हुई या तो व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ हमारा कॉज है और इसके आधार से हमको ये दुनिया में जन्म लेना पड़ा। तो सिंपल मालूम हो जाता है कि जन्म जीवन और मृत्यु वो प्रकृति का है और प्रकृति खुद ही कुदरती रचना है, प्रकृति की अवस्था भी खुद ही कुदरती रचना है। तो प्रकृति तो पांच तत्वों से चलती है और आत्मा की हाजिरी से चलती है, और जो बाहर बाहर की जो प्रकृति है जिसको हम कुदरत कहते हैं वो सिर्फ पांच तत्वों की हाजिरी से चलती है,
पांच तत्वों की सहायता से चलती है। तो इसीलिए पूरे विश्व के अंदर अगर आपको एज अ साइंटिस्ट कोई व्यक्ति कहेंगे, आपको सिंपल क्वेश्चन करेंगे कि भी आप अज्ञान क्या कहते हैं, अज्ञान किसको कहते हैं, या तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इग्नोरेंसी, अज्ञान किसको कहेंगे, तो आपके पास सिंपल आंसर होना चाहिए। अज्ञान का मतलब यह दुनिया का सनातन सत्य नहीं जानना, वही अज्ञान है। तो आपको प्रश्न करेंगे, हम व्यवहार सत्य तो सब जानते हैं, रिलेटिव सत्य तो जानते हैं, धार्मिक सत्य तो जानते हैं, क्या इसको भी आप अज्ञान कहोगे, आपको प्रश्न करेंगे। तो आपको कहना कि रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है, पहले सनातन सत्य को न जानना वो अज्ञान है, और रिलेटिव सत्य को जानना, मानना, स्वीकारना वो भी अज्ञान है। ये दोनों बात आपके मन में एट ए टाइम, आपके विजन में होने चाहिए एट ए टाइम। सो डोंट क्रिएट द कंफ्यूजन इन योर माइंड। तो सनातन सत्य नहीं जानते वो भी अज्ञान है, और रिलेटिव सत्य को ही सनातन मानते वो भी तो अज्ञान है, और इसीलिए हमने कहा है कि रिलेटिव सत्य को ही अज्ञान टाइटल लागू होता है, क्योंकि रिलेटिव सत्य को ही हम सनातन सत्य, शाश्वत सत्य, या तो वास्तविक सत्य मानते हैं, मात्र रियल स्पीकिंग वो वास्तविक सत्य नहीं है, वो टेम्पररी सत्य है और डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस है। तो ये बातें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भी अज्ञान, और वही अज्ञान से, वही अज्ञान को ज्ञान मानते हैं, तभी राग द्वेष होते हैं, तभी क्रोध मान माया लोभ होता है, तभी कर्म बनते हैं, तभी जन्म मरण बनता है। अंदर अज्ञान सत्ता में रहता है, और बाहर कर्म बन के कुदरत हमको अवस्था के रूप में कर्म भुगतान के संजोग देते हैं। तो इस प्रकार से ये बातें एज अ साइंटिस्ट आप सबको इसीलिए जरूरी है, क्योंकि जब आप इस लेवल की बात करोगे तो कोई व्यक्ति राम भगवान है कि नहीं, कृष्ण भगवान है कि नहीं, महावीर भगवान है कि नहीं, मैं उसको पूजा करूं या ना करूं, मैं आरती करूं या ना करूं, मैं सामायिक प्रतिक्रमण करूं या ना करूं, मैं उपवास करूं या ना करूं, मैं मंदिर जाऊं या ना जाऊं, ये सब प्रश्न अपने आप उड़ जाएंगे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मोक्ष, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द परमानेंट हैप्पीनेस एंड पीस, दे डोंट रिक्वायर दिस काइंड ऑफ रिलेटिव ट्रुथ्स। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है ऐसा होना चाहिए ताकि बाकी के जो प्रश्न है वो प्रश्न के रूप में रहेंगे ही नहीं, भले हिसाब के रूप में रहेंगे, उदय के रूप में रहेंगे और व्यवहार सत्य के रूप में रहेंगे, मगर जब आप सनातन सत्य की बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, कुदरती कानून की बात करते हैं, और वो न जानना उसी को अज्ञान कहते हैं, और वो अज्ञान को मिटाने से ही शाश्वत सुख होगा, शाश्वत सुख की अनुभूति होगी, यह बात बताते हैं, तो फिर उसमें व्यवहार सत्य, धार्मिक सत्य वो तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। मगर ये नहीं समझते हैं, नहीं प्रेजेंट करते हैं हम लोग एज अ साइंटिस्ट, और इसीलिए छोटे छोटे प्रश्न में हम उलझ जाते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आइए हम सब यही विज्ञान को और डीप और गहराई से समझने की कोशिश करें और सच्चा अनुभवी साइंटिस्ट बने, और लोगों को यही विज्ञान, विज्ञान के रूप में, आध्यात्म विज्ञान के रूप में सनातन सिद्धांत। मेरा प्रश्न एक ये है कि ये जो हमारा सभी धर्मों के अंदर एक ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया गया है, ब्रह्मचर्य का रियल मतलब जो अभी हम समझ रहे हैं वो तो अपनी ब्रह्म के अंदर चर्या, वही ब्रह्मचर्य है। लेकिन आपने जैसे बताया कि आपका पिछले चार अवतार से आचार्य पद का आपका डेवलपमेंट था, तो उसके और अभी इस जन्म के अंदर आपका ब्रह्मचर्य का उदय आया, किसी कारण से भी आया जी जी। और जो हम कई जो फाइनल बॉडीज देखते हैं, राम है, महावीर है, कृष्ण है, उनके अंदर
विवाह का भी प्रसंग आता है और कृष्ण मतलब शादीशुदा थे बच्चे वाले जी, थे। जी 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 तो ये जो ब्रह्मचर्य के ऊपर हमारा इतना एम्फेसिस दिया हुआ है और आपका जो आचार्य पद का डेवलपमेंट था पहले विच वॉज अ वेरी हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उसके बावजूद आपका इस जन्म में ब्रह्मचर्य का डेवलपमेंट हुआ और आपसे भी जो हायर लेवल का जिनका पहले जन्म में डेवलपमेंट था जिनका कि केवल दर्शन का डेवलपमेंट था उनका शादी का और बच्चों का प्रसंग आया, तो ये कैसे बनता है और ब्रह्मचर्य पे इतना एम्फेसिस हम जो दिया हुआ है जो रिलेटिव ब्रह्मचर्य पे उस पे एम्फेसिस क्यों दिया हुआ है ये थोड़ा सा समझाइए। वैसे तो भारतवर्ष के अंदर ब्रह्मचर्य सब्जेक्ट वो एक आम जनता के जीवन का अंग था। अंग अंग का मतलब होता है कि इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, क्योंकि पहले जमाने में यानी आज से करीब 500 साल पहले या तो 500 साल पहले की बात कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य वो तो हमारे लिए नॉर्मल था। मतलब ऐसा नहीं कि शादी नहीं करना और बच्चा नहीं करना, मगर बाकी के जो समय होता है एक शादी करना और बच्चे की प्राप्ति करना उसके अलावा अब्रह्मचर्य का संयोग बहुत कम होता था, क्योंकि व्यक्ति धार्मिक थी, संस्कारित थी, परिवार के साथ रहती थी और पूरा परिवार इकट्ठा रहता था। जैसे जैसे बड़े लोग हो जाते हैं तो घर के बाहर रहते थे, बाहर सोते थे और घर के या बच्चे लोग होते हैं, नई नई शादी किया होता है तो उनके लिए घर कमरा होता है, तो ये हमारी परंपरा रही थी और उसमें भी दोनों को आनंद था। और आपको तो मालूम है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर यही बताया गया है जो सबसे पहले चार प्रकार के जो आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये हमारे भारतवर्ष की बहुत बड़ी अच्छी पद्धति थी जीवन जीने की। और उस समय भारतवर्ष में बहुत सतयुग था, तो इसीलिए ब्रह्मचर्य की बात करना करते समय हम इसकी डी वैल्यू नहीं करना चाहते हैं। वैल्यू तो है, पूरे समाज के अंदर वैल्यू है और ईच एंड एवरी पीपल के लिए है, वो ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। और इसलिए मैंने कहा है कि इस कलयुग के अंदर भी जो सतयुग में ब्रह्मचर्य था वही मैं कलयुग में बात कर रहा हूं। आज सतयुग में कलयुग में भी यही कहता हूं मैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब शादी नहीं करना वो नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब एक या दो बच्चे पैदा करना वो नहीं है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इकोनॉमी ऑफ वीर्य। जैसे पैसे की इकोनॉमी करते हैं ऐसे वीर्य की इकोनॉमी करो, पैसा भी शक्ति है और वीर्य भी शक्ति है, ये दोनों पावर हैं, आप समझे। तो हम दोनों पावरों को रिस्पेक्ट करते हैं इन अ सोशली ऑल्सो इन अ रिलीजियस फील्ड, दोनों फील्ड में हम रिस्पेक्ट करते हैं। और इसीलिए वो बात की कोई वैल्यू नहीं है ऐसा कहने का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है ऐसा। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि ऑफ कोर्स ब्रह्मचर्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है। एक डॉक्टर बनना है अच्छा तो भी ब्रह्मचर्य जरूरी है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, टीचर बनना है, वक्ता बनना है, साधु संत बनना है वो तो है ही, देश का नायक, देश का राष्ट्रपति बनना है, वड़ाप्रधान बनना है, यानी कोई भी पोस्ट आपको करना है, एक एम्प्लॉय के रूप में काम करना है, इस परिवार का सदस्य रहना है, हर व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य वो तो एक अनिवार्य हो गया। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जैसे वीर्य की इकोनॉमी करते हैं, जैसे पैसे की इकोनॉमी करते हैं, ऐसे वीर्य की करो और वो ही शक्ति आपकी रहेगी। आप देखो आपके पास अब जो रुपया है, बंगला, मोटर, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ आपके पास है, ठीक है, आपने मांगा उससे 10 गुना आपके पास है, मगर योर फिजिकल फिटनेस इज नॉट गुड, आप न खा सकते हैं, न पचा सकते हैं, न चल सकते हैं, न अच्छी तरह देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, ठीक है जी। वो आपकी संपत्ति क्या काम की बताइए मेरे को, नहीं किसी काम की, दैट्स इट। तो इसीलिए बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट कहो और बाय रिलीजियस व्यू पॉइंट कहो ब्रह्मचर्य सबके लिए अनिवार्य है, तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, नो इफ एंड नो बट। और मेरा कहने का मतलब है कि जब हम आध्यात्म की बात
करते हैं, मैंने पहले भी कहा है, हम अध्यात्म की बात करते हैं तब सामाजिक और धार्मिक सत्य से ऊपर की बात करते हैं। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट राइट नाउ? तो जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो उसमें यह सब्जेक्ट नहीं आएगा, जब हम सामाजिक बात करेंगे धार्मिक बात करेंगे तो अवश्य आएगा, तो उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। पर जब हम स्पिरिचुअल साइंस की बात करते हैं, आज देखो, आज राम की गीता पढ़ो, चाहे वेदांत पढ़ो, चाहे आगम पढ़ो, और कोई भी अपने साधु संत सन्यासियों का प्रवचन सुनो जो टीवी में आता है, पूरे भारतवर्ष में कहो या विश्व में कहो, कौन ब्रह्मचर्य की बात करता है इन पब्लिक की, बताइए मेरे को, कौन करते हैं? आप समझे? तो मेरा कहने का मतलब, वैल्यू होने का मतलब यह नहीं कि इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। हाँ, लोगों को समझना चाहिए, जैसे पैसे की इकोनॉमी करते विजय की करना चाहिए, ये शक्ति है, और साधु समाज को बताना चाहिए, संतों को सन्यासी को बताना चाहिए कि भैया ये आपकी शक्ति है और इसको व्यय नहीं करना चाहिए, यू ट्राई टू सेव इट, और आपको एक दो बच्चे के लिए अच्छी बात है, इट इज गुड, नो प्रॉब्लम, यही तो समाज है हमारा और चलता रहेगा। मगर विषय वासना जो होता है, विकृति जिसको बोलते हैं, वो नहीं होनी चाहिए, आप समझे ना? तो वीर की इकोनॉमी जो है तो समाज में, ये तो समाज में भी जरूरी है और धर्म के मार्ग में भी जरूरी है। अगर मैं साधु बन गया और मेरी दृष्टि में विकार है तो फिर अच्छा नहीं है ये। तो ये दोनों लेवल के हिसाब से इट इज करेक्ट कि ब्रह्मचर्य होना चाहिए, मैं उसमें मना नहीं करता हूं। मगर जब अध्यात्म की बात करें, हम छह तत्वों की बात करें, कुदरती कानून की बात करें, कुदरती रचना की बात करें और आत्मा की बात करेंगे, तो फिर हम उस समय पूरे मन वचन काया को फ्रॉम बर्थ टू डेथ इट इज टू कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जब हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो फिर रिलेटिव सत्य नहीं आएगा वहां, धार्मिक सत्य नहीं आएगा वहां। But when we are talking about the religious and social talk, of course, मैं कहूंगा कि नहीं होना चाहिए, there is no any doubt at all. तो ये लेवल की बात है, क्या है? ए लेवल की बात है, तो इसमें राइट रॉन्ग का प्रश्न नहीं है। अगर आप कहोगे कि मेरे को सिगरेट पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, तो जब आप मेरे को व्यवहार का प्रश्न करते हो, अध्यात्म का नहीं करते, तो मैं कहूंगा नहीं पियो तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि फिजिकली, इकोनॉमिकली, मेंटली एंड सोशली इट इज नॉट गुड। तो ये रिलेटिव सत्य का क्वेश्चन, मेरा आंसर भी रिलेटिव सत्य रहेगा, मैं वहां कुदरत रचना नहीं बोलूंगा। नहीं, मैंने आपको ये प्रश्न किया, ये अध्यात्म के बेसिस पे किया है, लेकिन उस अध्यात्म के बेसिस पे जाने से पहले आपने जो बोला, मैं उसका एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ कि एक तो आपने जो बोला कि वीर की इकोनॉमी के लिए है, तो वीर की इकोनॉमी मतलब वो इसलिए करनी है कि भाई हेल्थ के लिए वीर की इकोनॉमी नहीं होगी तो हेल्थ में उसके प्रॉब्लम्स होती है? फिजिकल, हाँ, फिजिकली हेल्थ के लिए, अपना अपना शरीर, अपनी जबान, अपना माइंड एकदम पावरफुल रहे, सशक्त रहे, ताकि आप आपके जीवन में कुछ अच्छा डिसीजन ले सके, सो इट इज गुड फॉर यू, देयर इज नो एनी क्वेश्चन एट ऑल। और फिजिकली उसका बहुत बेनिफिट है, उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं करता हूँ। और सेकेंडरी में कहता हूँ, इवन दो इन अ साधना मार्ग इट्स रिक्वायर्ड द ब्रह्मचर्य। तो ये जो वीर की इकोनॉमी नहीं होने से जो हेल्थ पे इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं वो किस लिए आते हैं, उसका क्या कनेक्शन है वीर का और हेल्थ का? क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना जी, हमारी जो बॉडी, आपको मालूम है बच्चे का जन्म कैसे होता है, पिता का स्पर्म और माँ का अंडा, ये दोनों मिलके ये बच्चा बनता है, तो एक ही स्पर्म में से बनता है, am I right or wrong? जी जी, पूरी बॉडी बनती है, स्लोली स्लोली ग्रो होती है। आप देखो, इसे ब्रेन भी बनता है, हड्डियां भी बनती है, आंखें भी बनती है, कान भी बनता है, नाक भी बनता है, जीभ भी बनती है, ये दांत भी बनता है, जीभ, सॉफ्ट जीभ भी बनेगी और स्ट्रॉन्ग दांत भी बनेंगे, ये खोपड़ी भी बनेगी और छोटे छोटे हाथ पांव भी बनेंगे। तो इस ये ताकत कितनी है वो बताता हूं आपको, एक ही वीर्य के टिपे के अंदर पूरे मनुष्य को बनाने की ताकत है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल मैटर। तो ये ताकत है, उसमें तो कोई मना नहीं करेंगे ना?
नहीं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि वो एक जो ताकत है वो एक वीर के कण में है, लेकिन उसको जो साइंस के हिसाब से हम जानते हैं वो तो ये है कि भी जो है उस वीर के कण में जेनेटिक मटेरियल है जो कि दोनों जेनेटिक मटेरियल साथ में आके वो इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर, जिससे कि जो हमारे आसपास की जो भी हवा है, पानी है, मिट्टी है, वो हमारी बॉडी के अंदर अप्रोप्रिएटली आती है। तो शक्ति खाली वीर की या एग की नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जो आपने जो बात कहा ना उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या आसपास का जो सब जो प्रकृति है। You are talking about to maintain and create your physical form body. भाई ऑर्गन कैसे बनेंगे, आंख कान कैसे बनेंगे, नाक कैसे बनेगा, ब्रेन कैसे बनेगा बच्चे का, वो सब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो उसके अंदर स्पर्म के अंदर रह के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वही से तो स्टार्ट होता है ना, मतलब ओके वही से, फिर बाद में आप बाहर पैदा होने के बाद इसको मिल्क मिलता है, फिर फूड मिलता है, फिर उसका फिजिकल ग्रो होता है, इट इज ओके, पर फंडामेंटली तो वहां से होता है ना, बेसिक फॉर्मेट जिसको कहेंगे, फिर उसका ग्रो होना वो डिफरेंट बात है, आप फूड से और आउटसाइड से उसका ग्रो करते हैं, मगर बेस तो वहां से बनता है ना। तो जब 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 बच्चा पैदा होता है तब उसके अंदर सब कुछ है, आंख कान नाक सब कुछ है, ठीक है, तो कैसे बना फिर, अभी तो फूड खाया नहीं है, मिल्क भी पिया नहीं है बच्चे ने, तो फिर भी उसकी आंखें हैं, कान नाक सब कुछ है उनको, नहीं वो तो फूड तो मदर से आ रहा है उसको, ठीक वो बराबर है कि फूड मदर से आ रहा है, इट इज ओके टू सप्लीमेंट, जिससे जिससे पूरी बॉडी का एक बॉडी का एक आकार बन जाता है, आप समझे ना, पहले तो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है बच्चा अंदर, फिर बड़ा होता है, वो तो आपको मालूम है। तो मेरा कहने का मतलब है, तो इसीलिए ग्रो होना एक अलग बात होती है, मगर बेस तो है ना, तो बेस उससे बनता है। और ब्रह्मचर्य की ताकत देखो, एक आदमी 4 घंटा 6 घंटा आराम से बैठ सकता है, दूसरी बात साधना के अंदर वो कॉन्सेंट्रेशन कर सकता है, आप समझे ना, तो ये प्लस पॉइंट है उनके। अगर दादा भगवान ने सभी आप्त पुत्रों को एक ही बात बार बार बताई थी, सभी आप्त पुत्रों को ऑन, कि अगर आप लक्ष्मी और विषय, लक्ष्मी और विषय ये दोनों के अंदर आप अगर आपने विजय प्राप्त कर दिया, या तो आपकी कमजोरी नहीं है, विषय की या लक्ष्मी की कमजोरी आप में नहीं है, तो दुनिया के कोई भी व्यक्ति आपको, दुनिया की कोई भी व्यक्ति आपको आपकी स्थिरता को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आपको हैंडीकैप नहीं बना सकता है। अगर लक्ष्मी और विषय की भीख नहीं है तो दैट इज अ पावर, दैट इज अ कॉन्फिडेंस, दैट इज योर विल पावर, आप समझे ना, तो ये कोई गलत बात है, वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है, हमारा सब्जेक्ट वो नहीं है। कोई कहेगा मेरे को शादी नहीं करना है तो मैं उनको रास्ता बताऊंगा, क्योंकि आप नहीं करना चाहते तो अच्छी बात है, मगर आपको जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए, ऐसा नहीं कि रैंडम मेरे को शादी नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ पर्पस तो होना चाहिए ना जी। तो ऐसा है, तो मैं कभी किसी को नहीं कहता हूँ कि आप शादी करो, वो भी नहीं कहता हूँ, ना करो वो भी नहीं कहता हूँ, आप क्या करना चाहते हैं बस आई विल गाइड यू, दैट्स इट। शादी करना चाहते हैं तो अभी मैं गाइड करूंगा, आशीर्वाद दूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शादी नहीं करना है तो भी गाइड करूंगा, आशीर्वाद दूंगा, बस। तो इसलिए मेरा सब्जेक्ट ये नहीं कि आप ये करो या ना करो, मगर हाँ मैं ऐसा कहूंगा शादी करने के बाद भी कि वीर्य की इकोनॉमी करो। शायद आपने अभी मेरा सत्संग सुना होगा, हिंदी भाषा में शादी के समय का सत्संग है, शायद सुना होगा, क्लिप आई थी वो मेरे पास आया लेकिन मैं सुन नहीं पाया उसको अभी। अगर आपने डिलीट नहीं किया है तो सुन लेना, जो शादी के मंच पर से मैं बोल रहा हूँ, शादी के मंच पर से जहाँ सभी लोग तैयार होके शादी के माहौल में बैठे हुए हैं, ठीक है, और पूरे 5 दिन का प्रोग्राम से, उसमें एक दिन का प्रोग्राम में सत्संग था और वहां मैं गया था, उस समय मैंने जो बात किया है आप सिर्फ सुन लेना, ताकि आपको मालूम है कि मैं ब्रह्मचर्य के बारे में भी क्या कहना चाहता हूँ, मतलब इन ब्रीफ है, वो डिटेल में नहीं है इतना। नहीं इसका लेकिन अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा प्रश्न था वो मैं ये पूछ रहा था कि भी आपका बहुत हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट था पिछले जन्म में, तो आपने ऐसे बुद्धि के आशय में ऐसा क्यों आपने किया कि भाई मुझे
रिलेटिव ब्रह्मचर्य अगले जन्म में मिले, और जो ये फाइनल बॉडी वाले थे उनका भी बहुत हाई लेवल का डेवलपमेंट था, तो भी उन्होंने बुद्धि के आशय में ऐसा भरा, उनके बुद्धि के आशय में ऐसा नहीं था कि भी फाइनल बॉडी में हमको रिलेटिव ब्रह्मचर्य, रिलेटिव ब्रह्मचर्य से मतलब कि आपका जो ब्रह्मचर्य है कि उसमें बिल्कुल भी 100% हो, तो उसमें डिफरेंस क्यों है फिर ये? वो तो वो दोनों दोनों की भावना का फल है, मगर मैं उसको उसमें केवल ज्ञान से बाधक नहीं मानता हूँ। केवल ज्ञान कहो या आध्यात्मिक डेवलपमेंट में बाधक नहीं है। नहीं, बाधक तो नहीं है वो, तो हमारे मतलब सोशल लाइफ में जरूर उसका प्लस माइनस पॉइंट है, ऑफ कोर्स है। लेकिन भावना डिफरेंट। 24 तीर्थंकर हमारे थे, सबने शादी किया था एकाध को छोड़ के, सभी तीर्थंकरों की बात करता हूँ जिसको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। राइट, स्वामी भी शादीशुदा है और उनके भी बच्चे हैं। ठीक है, फिर हम रामकृष्ण को मानते हैं भगवान के रूप में, वो भी शादीशुदा थे, उनके भी बच्चे थे। उसके पहले अभी श्रीमद राजचंद्र जी हो गए महान पुरुष आध्यात्मिक जगत में, श्रीमद राजचंद्र जी, तो वो भी शादीशुदा थे। हम दादा भगवान को मानते हैं ज्ञानी पुरुष के रूप में, वो भी शादीशुदा थे, उनके भी बच्चे थे। तो ये मेरा कहने का मतलब, आध्यात्मिक पुरुषों की बात धार्मिक और सोशल से मत जोड़ो। शादी करते हैं या नहीं करते उनका वो सब्जेक्ट नहीं है, नहीं करते तो भी नहीं है, करते हैं तो भी नहीं है, उनका विजन बियॉन्ड है। मेरा कहने का मतलब है, उन्होंने शादी किया तो भी वो रिलेटिव सत्य, नहीं किया तो भी उनके लिए रिलेटिव सत्य है, उनके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके लिए उनका इम्पोर्टेंट है उनका विजन, उनका विजन यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस के ऊपर काम करता है या नहीं करता है। उनका विजन ये नहीं है कि मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, पूजा करूं या ना करूं, शादी करूं या ना करूं, ये उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। उदय क्रम में जो भी होगा उनके लिए प्लस माइनस हो सकता है, कि उनकी जब अज्ञान होता है उनके जीवन में तो कभी कभी भाव हो जाता है कि मैं भी साधु कर लूं, ऐसा भाव हो जाता है और शादी उसके जीवन में आ जाती है, मगर ओवरऑल उसका विचार उससे ऊपर होता है। ये कॉज तो बन गया, शादी तो होगी, मगर उनका उनका जो रियल थॉट है ना, वो बियॉन्ड है, बियॉन्ड, समझ रहे हैं ना? जी जी, समझ गया। आपकी जो फाइनल बॉडी होगी उसके अंदर ब्रह्मचर्य का 100% रहेगा या उसमें शादी का संयोग आ सकता है, वो आपको पता चलता है या उसमें? नहीं, अभी तो मैं कैसे बोल सकता हूँ अभी तो, क्योंकि मेरे को, मैं ये बर्थ की अगर बात करूँ, ये बर्थ की बात करूँ, कॉज की और इफेक्ट की दोनों की बात करूँ, तो ये बर्थ में मैंने इफेक्ट के रूप में भी कभी मैंने शादी के लिए सोचा नहीं, इफेक्ट के रूप में यानी उदय कर्म में नहीं लाया। इसीलिए कभी कोई कहेंगे कि स्वामी जी आपने शादी क्यों नहीं किया, तो बिला बिना मेरे मन में कभी विचार ही नहीं आया कि मेरे को शादी करना है या नहीं करना है, यानी मेरे लिए वो सब्जेक्ट ही नहीं था, मैं लेकर ही नहीं आया था मतलब। जी जी। और दूसरी बात, अगर कॉज की बात करूं मैं, तो ये इफेक्ट की बात है, मगर कॉज की बात करूं तो मेरा अभी जो मेरा जो विजन है वो केवल सनातन सत्य के ऊपर ही सोचता है, तो उसमें भी शादी करना ना करना कोई सब्जेक्ट नहीं आता है राइट नाउ। ओके, अभी नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा आई डोंट नो, मगर मैं अभी की बात करता हूँ, कॉज और इफेक्ट दोनों की बात करता हूँ। तो ये जो हमारे जो तीर्थंकर वगैरह होते हैं, हमारे तीर्थंकर हुए हैं, मुझे इनकी सबकी हिस्ट्री पूरी नहीं पता है, लेकिन अंदाज से मैं ऐसा कहता हूँ कि इनके भी पहले जो बर्थ हुआ उसके अंदर वो जो साधु साधु की जो परंपरा है, काफी कुछ साधु की परंपरा से दीक्षा लेकर ही ऊपर आए थे, तो उनके भी पिछले पिछली बॉडी के अंदर जो है वो ब्रह्मचर्य का 100% भावना शायद रही होगी। आपका थोड़ा बीच में कट हो गया, थोड़ा कट हो गया, आपने हाथ ऐसा किया ना तो कट हो गया, तो सुना ही नहीं दिया पूरा। ये जो तीर्थंकर जो है उनकी मुझे 100% हिस्ट्री मतलब बहुत कम पता है एक्चुअली, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद काफी कुछ जो तीर्थंकर जो डेवलपमेंट होते होते आए तो वो साधु परंपरा से शायद आए होंगे, इसलिए उनका पिछले जन्म के अंदर रिलेटिव ब्रह्मचर्य का की काफी स्ट्रांग भावना रही होगी। तो उनका जैसे आपका भी डेवलपमेंट है कि भी जो है जो आपका उदय कर्म में 100% ब्रह्मचर्य लेके आए हैं, तो उस डेवलपमेंट के अंदर वो भी पहले रहे होंगे कि भी जो 100% ब्रह्मचर्य का, तो उसमें से हाँ, वो बहुत सारे
सारे ज्ञानी रहे होंगे, बहुत सारे ज्ञानी रहते हैं, तीर्थंकर भगवान भी आगे अवतार में बहुत बार साधु बने होंगे, वो तो साधु भी बने होंगे, सन्यासी भी बने होंगे, तो उसमें कोई संशय नहीं है। यू आर राइट। तो उनमें उनमें वो भी पहले आचार्य के डेवलपमेंट में भी साधु रहे होंगे, ऐसा भी मन रहा होगा ना। वो एक प्रकार की परंपरा क्या होती है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर जो साधु बनना या सन्यासी बनना का मतलब क्या होता है, ये साधु और सन्यासी बनोगे तो आप अच्छे साधक बन सकते हैं, बिकॉज नाउ यू आर नो एनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहो फैमिली कहो या जो कुछ भी कहो, आपको खाने पीने की व्यवस्था समाज करते थे, या तो आप ऐसे जंगल में रहते थे पहले जमाने में जहां आपकी रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती थी, ठीक है, फल फूल खा लेते, पानी मिल जाते थे, हवा मिल जाते थे, और पेड़ पत्ते के पौधे के आप कपड़ा पहन लेते थे, और मिट्टी का मकान बना लिया तो काम चला लिया आपने, और ज्यादातर समय आपका तो साधना में चला जाता है, सुविधा में नहीं था उस समय, तो इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना ये आपके लिए पार्ट ऑफ हो गया है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना वो सब्जेक्ट नहीं रहा आपका, मगर शादी नहीं करना है क्योंकि मेरे को ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं, मेरे को साधना करनी है, तो ये इस प्रकार का एक माहौल था, और इसीलिए लोग इस माहौल के आधार से ज्यादातर वो शादी नहीं करते थे, और उसमें कोई तिरस्कार भाव नहीं था, साधक भाव था, साधना करने के। आज जिस प्रकार से लोग त्यागी बनते हैं, घर से परिवार से कंटाल के, समाज से कंटाल के त्यागी बन जाते हैं, ये त्याग तो रियल त्याग नहीं है, रियल त्याग तो उसको कहा जाता है कि ये संसार मेरे को इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को साधना करना है, और साधना करके कुछ ऐसा प्राप्त करना है, असाधारण चीज, असाधारण अनुभव प्राप्त करना है, कोई सिद्धि प्राप्त करना है, या तो अंतिम सत्य मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसा कुछ लक्ष्य होता है, तो वो अपने आप चला जाता है, तो इसीलिए उनके लिए वो इम्पोर्टेंट बात नहीं थी कि मेरे को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो इम्पोर्टेंट बात वो थी उनकी। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, अभी इसको छोड़ दीजिए, अध्यात्म में सोशल बात करूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। कोई साइंटिस्ट है, नेचुरल साइंटिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल साइंटिस्ट, नॉट कॉमर्शियल साइंटिस्ट, ओके, पैसा कमाने वाले की बात नहीं करता हूं, पैसा उनके लिए साइड क्या कहते हैं उसको, बाय प्रोडक्ट है, नॉट मेन प्रोडक्ट। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, आपको मालूम है उनकी हिस्ट्री। जी 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 हाँ, तो मैं ऐसे साइंटिस्टों की बात करता हूँ, उनके लिए शादी करना ना करना वो सब्जेक्ट ही नहीं होता है, अगर शादी किया है तो भी उसके मन में शादी ऐसा या विषय नहीं होता है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जी जी जी। शादी किया है तो भी नहीं है, और नहीं किया है तो भी नहीं है, उनको इतना वो नहीं है, आप समझे ना, आप समझे। हाँ, तो इसके लिए उसके लिए मैरिड लाइफ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए तो रिसर्च इंपॉर्टेंट है, जैसे ये भौतिक विज्ञानी को रिसर्च इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे आध्यात्मिक विज्ञानियों को भी रिसर्च इंपॉर्टेंट होता है, द सेम थिंग, बोथ आर द साइंटिस्ट, तो उनके लिए शादी करना ना करना वो सब्जेक्ट ही नहीं होता है, वो गलत है सही है वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है उनको, अगर शादी करते हैं तो भी नॉर्मल लाइफ जीते हैं क्योंकि उनका काम संशोधन करना है, और नहीं करते तो भी वो करते हैं। अब्दुल कलाम जी को, अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट को आप पूछेंगे कि शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो ऐसे ही कहेंगे भी शादी करो या ना करो वो तो अपना व्यवहार है, जीवन का गोल क्या है वो सोचो, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्या कहना चाहते हैं, गोल इज इम्पोर्टेंट, मैरिज इज नॉट इम्पोर्टेंट। और नॉर्मल लोग क्या कहेंगे, मैरिज करना नहीं करना वो इम्पोर्टेंट बता दे वो, इट इज, तो मैं उसको इस प्रकार से वेट देना नहीं चाहता हूं, अननेसेसरी। आप साइंटिस्ट बन के इतना रिसर्च करोगे आपको सोच भी नहीं आएगी कि शादी करूं या ना करूं, तो आपका पूरा विजन डाइवर्ट कर दो अपना स्पिरिचुअल पाथ, फिर अपने आप शादी के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको, करो या ना करो वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो आपका उदय कर्म हो सकता है, सब्जेक्ट नहीं रहेगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपकी फॉर्मेलिटी रहेगी आपके उदय कर्म के। तो ऐसे ज्ञानियों को हो जाता है, और इसीलिए हमारे महान पुरुष जो थे उन्होंने कभी पब्लिकली ये ब्रह्मचर्य की बात इन डिटेल नहीं कही,
यू चेक द हिस्ट्री ऑफ 2005 इयर्स, 2500 साल की आप हिस्ट्री पढ़ो, कभी किसने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा भाई? अगर इतना इंपॉर्टेंट होता तो क्यों नहीं बोलते हो? तो पांच महाव्रत के अंदर क्यों डाला इसको फिर? पंच महाव्रत में इसलिए डाला है कि भगवान महावीर ने, भगवान महावीर के समय तो चार महाव्रत थे, ब्रह्मचर्य नहीं था, अलग अलग से नहीं था। तो उन्होंने देखा कि अभी कलयुग आने वाला है, वो कलयुग के अंदर लोग ब्रह्म शादी को वो परिग्रह नहीं समझेंगे, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, वो परिग्रह नहीं समझेंगे। तो परिग्रह का नया ब्रांचेस खोल दिया उन्होंने ब्रह्मचर्य, पहले जमाने में जरूर नहीं थी। वो लोग समझते थे कि शादी करना, बच्चे करना, परिवार चलाना, ये बहुत बड़ा परिग्रह है, फिर मेरे को पाप करना पड़ेगा और पैसा कमाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तो मैं साधक नहीं बन सकता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ द साधक के हिसाब से था। फिर बाद में उन्होंने, और पहले जमाने में भी हमारे ऋषि मुनि भी पत्नी रखते थे, तो एक आध बालक पैदा करते थे, क्यों? एक अपना वंश वारस रहे इसीलिए, आप समझे ना? तो वो सब्जेक्ट अलग था पूरा। तो क्योंकि वो संशोधक थे, वो साधक थे, वो सिद्धियां प्राप्त करते थे साधना करके, शक्तियां प्राप्त करते थे, तो उनका सब्जेक्ट ये नहीं था कि मैं साधु करूं या ना करूं या ब्रह्मचर्य का पालन करूं, वो उनसे बियॉन्ड चले गए थे, बियॉन्ड चले गए थे। और इसीलिए मैं आध्यात्म मार्ग में आप सबको बियॉन्ड ले जाना चाहता हूं जी। हाँ, तो बाकी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करना है तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर करके क्या फायदा? तो बेसिक समझ लो, इट इज मोर देन इनफ। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस, नेक्स्ट, नरेश भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। उदासीनता को आत्मा की जननी बोला है स्वामी जी, तो उसके बारे में समझाइए कि उदासीनता की स्थिति हमारी दृष्टि में कैसे पुरुषार्थ रखने से आएगी और हमारा डेवलपमेंट कैसे बढ़ेगा। उदासीनता का मतलब होता है कि एक प्रकार का वैराग्य, इस संसार में पांच इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव में आता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे दृष्टि में खत्म होना, वही तो आपका उदासीन भाव है। बराबर। और उदासीन भाव है तभी तो आप अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अभी पांच इंद्रियों के विषयों में डूबे हुए हैं, इसमें रस है, इंटरेस्ट है, तो फिर अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। बराबर। तो इसीलिए उदासीन कहा, उदासीनता वो मुक्ति के मार्ग की जननी है। दृष्टि में वैल्यू नहीं होनी चाहिए पांच इंद्रियों के विषयों की, बस वही तो उदासीनता है। क्यों वैल्यू नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमने आत्मा की वैल्यू जानी है, अनुभव बाकी है मगर जानी है, और वही प्राप्त करता है तो वैल्यू फिर उसकी होगी। बाकी जो भी पांच इंद्रियों का विषय है वो तो उदय कर्म में जो है वो तो रहेगा, मगर वैल्यू नहीं रहेगी। उदय कर्म रहेगा, वैल्यू नहीं रहेगी। बराबर स्वामी। हाँ स्वामी। ओके ओके, कोटि कोटि जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मिलन भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद प्रभु। जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, प्रश्न ये है कि भगवान रजनीश के प्रवचन में मैंने सुना था कि अपने जो 14 गुण स्थानक है वो सभी का अनुभव करना जरूरी नहीं है, कुछ में हम छलांग भी लगा सकते हैं, तो वो 14 जो गुठाना है उसमें से वो मतलब छलांग लगाना वो कौन से लेवल पे हो सकता है? वो तो 7 से 11 बताया है। हाँ, मतलब उसमें हर एक को पास करना जरूरी नहीं है ऐसा उसने बोला था, मतलब आप अपने उसमें 1, 2, 3 ऐसा नहीं होता है, आफ्टर 7, 8, 9, 10, 11 ये फास्ट भी कर सकते हैं, क्रॉस ग्रेजुअली नहीं कर सकते,
एंड फिर नाउ फिर दस फिर ग्यारह, ऐसा नहीं होता है, अप्स एंड डाउन होता है। मगर आप एक बार ग्यारह क्रॉस कर दिया तो फिर वापस नहीं आओगे, ग्यारह से फिर आप फिर आठ पे आ जाओगे, फिर ग्यारह से फिर आठ पे आ जाओगे। बराबर, मतलब सात के बाद, सात के बाद स्टेप पर स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना जरूरी नहीं है, मगर पुरुषार्थ इतना तीव्र होना चाहिए ताकि आप ग्यारह वे स्टेप को क्रॉस कर लो, फिर वापस नहीं आओगे। अच्छा सर जी, और एक दूसरा भी वही भगवान रजनीश के व्याख्यान से है कि उन्होंने ऐसा बताया था कि हम समय है उसको स्टैटिक मान के चलते हैं, और एक्चुअल में समय की भी वेलोसिटी है। तो आध्यात्म विज्ञान में अपना जो समय तत्व है उसका मतलब क्या एंगल है? अपने जैसे देखते हैं कि स्वप्न अवस्था होती है तो उसमें इतना लंबा स्वप्न होता है, लेकिन उसका फिजिकली हम टाइम कंपेयर करें तो पांच मिनट दो मिनट या ऐसे ही हुई होती है। तो मतलब जो अवस्था के रूप में है वो स्टैटिक और तत्व में वो मतलब गतिमान, ऐसे हो सकता है स्वामी जी? नहीं नहीं, आपका आपका वो अभी पूरा कॉन्सेप्ट मेरे समझ में नहीं आया कि प्रश्न कहाँ खड़ा है। जैसे अभी भौतिक विज्ञान है वो समय को स्टैटिक मान के चलता है, मतलब स्थिर है, उसको स्थिर मान कंपेयर करके बाकी सब फॉर्मूला बाकी सब गति ये सब हम काउंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब समय को तत्व के रूप में देखा जाए तो वो समय की भी वेलोसिटी है, मतलब वो स्टैटिक नहीं है। जैसे स्वप्न अवस्था है तो स्वप्न तो इतना लंबा होता है कि फिर हम उसको फिजिकली अपनी घड़ी से कंपेयर करें तो दो या पांच मिनट हुई होती है, लेकिन स्वप्न में जो टाइम हमने कंज्यूम किया वो कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। तो ये मतलब समय की ये दो अलग अलग टाइप का जो अपने को कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंस होता है, तो वो अवस्था के रूप में मुझे लगता है कि स्टैटिक होगा और तत्व के रूप में वो चेंजेबल और गतिमान, ऐसे हो सकता है स्वामी जी? वो तो फिजिकल एंड नॉन फिजिकल की बात है। कोई भी चीज नॉन फिजिकल हो जाती है तो आप कल्पना में से थोड़े समय में भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। जी जी, आप समझे ना? हाँ हाँ। जैसे एक घंटा आदमी सो गया घस घसाट, तो उस वक्त का जन्म भी हो गया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बुढ़ा भी हो गया, गुजर भी गया एक घंटे में। जी जी, समझ में आया? हाँ, और जब हम एक्चुअली बात करेंगे, एक्चुअली बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता है, उसके लिए फिजिकल में टाइम लगता है अपना, जो नॉर्मल टाइम है अपना। हाँ, वो लगता है। वो एक अलग बात होती है। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि जब आप प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं। हाँ हाँ, बस बस वही। मतलब क्या होता है, फिजिकल बॉडी से आप ऊपर उठ जाते हैं। हाँ, तो वो हाँ, समय की मर्यादा वो फिजिकल बॉडी के हिसाब से नहीं रहती है। जी जी जी, आप समझ गए। आप ड्रीम में चले गए तो फिर ये फिजिकल बॉडी की बात नहीं है। जी जी स्वामी जी, हाँ बस वही कंफ्यूजन था कि ये एक्सपीरियंस भी ऐसा ही किया है कि अभी जब स्वप्न अवस्था होती है तो इतना लंबा होता है, और मान लो बाजू में कोई खड़ा हो और उसको हम टाइम पूछे तो वो दो या पांच मिनट ही होती है फिजिकल में। तो इसीलिए अध्यात्म मार्ग में भी आप जब योग पर चले जाते हैं, ध्यान पर चले जाते हैं, संशोधन पर चले जाते हैं, तो समय समय का कुछ आपको ख्याल नहीं रहता है। तो उस समय आपने जो गहराई प्राप्त किया है वो बियॉन्ड टाइम है। जी जी, आप इसको समय से नहीं जोड़ सकते हैं। और ये समय और स्थल एक हो जाना, वो भी वो तो इससे भी ऊपर की अवस्था है स्वामी जी। ज्ञान और दर्शन का पावर का स्पीड बहुत है। ठीक है जी, और शरीर का स्पीड लिमिटेड है। जी जी स्वामी जी, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में होने के नाते इसकी लिमिटेशंस होती है। हाँ, जब ज्ञान दर्शन की स्पीड की बात आएंगी तो वो उनकी काफी स्पीड हो सकती है। हाँ, वो दादा भगवान ने इसको बताया रिवॉल्यूशन, बताया रिवॉल्यूशन। हाँ हाँ हाँ, समझ गया स्वामी जी। वो मतलब किसी के कोई भौतिक संजोग उसको टच नहीं कर सकते, वो मतलब इंडिपेंडेंट है पूरा। या जी जी, ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी,
स्वामी जी मेरे को पूछने का है कि रात्रि भोजन का क्या महत्व है, क्योंकि पांच महाव्रत के बाद में रात्रि भोजन का बोला है अभी, तो भी सब रात्रि भोजन करते, तो फिर क्या महत्व है और क्यों नहीं करना चाहिए रात्रि भोजन? नहीं करो तो अपने मन के लिए और तन के लिए, दोनों के लिए अच्छा है, तन के लिए भी अच्छा है और मन के लिए भी अच्छा है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और रात को खाना नहीं खाते हैं, लेट नाइट तो सोते हैं, तो बिल्कुल पाचन हो जाता है, तो जो जागृति रहती है, जो ज्ञान होता है नशा खाने का, वो नहीं रहता है, जागृति में आप सो जा सकते हैं। लेकिन वो साइंटिस्ट के हिसाब से क्यों ऐसा रहता है? साइंटिस्ट के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, कुदरती कारण है ना, कुदरती कारण है ना, कि सूर्योदय होने के बाद और सूर्यास्त होने से पहले खाना खा लेते हैं, तो हमारी बॉडी की जो कुदरती रचना है वो सबको डाइजेस्ट कर लेती है। ऐसा बोलते हैं ना कि लाइफ में जीवाणु अग्नि तत्व कम होता है, बाद में अग्नि तत्व कम होता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम स्लो हो जाती है, और फिर बहुत सारे पजल होते हैं। और दूसरी बात, रात को खाने के बाद हम हलन चलन भी इतना नहीं करते, तो इसीलिए फिर वही खाना हमको हमारे पेट में डिजीज के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, रोग बढ़ाते हैं, चर्बी बढ़ाते हैं, हमारा पेट खराब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बराबर है, लेकिन और लाइट में भी वो जीवाणु रहते हैं, तो वो भी ऐसे इसके लिए भी रात्रि भोजन के लिए ना बोला है ना? वो तो एक वो एडिशनल कारण है, एडिशनल का मतलब होता है उसके अलावा भी ये कारण है। मगर अभी तो वो लाइट का तो प्रश्न है नहीं, लाइट तो अभी ठीक है, पहले लाइट नहीं थी, अभी लाइट है तो ठीक है, वो तो अभी तो लोग दिन में भी लाइट में ही खाना खाते हैं, तो उसका तो प्रश्न नहीं है वो अभी तो। मगर हो सके इतना फॉर अ फिजिकल फिटनेस और मानसिक स्वस्थता को अगर लक्ष्य में रखेंगे, तो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले अगर खाना खा लेते हैं पूरी लाइफ में, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ओके, समझाएगी। जय सच्चिदानंद। हूँ नैना कुन्नूर कल्याण थी बोलू छू। मुझे ये पूछना था स्वामी जी से कि सब रियलाइज्ड जो लोग है वो मैं देख रही हूँ कि सिर्फ पुरुष ही है, औरतों का मोक्ष मार्ग में या साइंटिस्ट की तरफ का जो रवैया है वो या उनकी प्रगति वो कहाँ तक की हो सकती है, वो मुझे पूछना था। उत्तर शुरू करो। क्योंकि मैं देखती हूँ कि हर जगह पर सब रियलाइज जो भी लोग है वो पुरुष ही है, औरतें सामने नहीं आ रही है रियलाइज्ड और सामने नहीं आ रही, वो पता नहीं मुझे, लेकिन वो मोक्ष मार्ग में कितनी प्रगति कर सकती है, उनके रिस्ट्रिक्शंस क्या है, उनको 100% मोक्ष मार्ग में मुक्ति मिल सकती है क्या? जी जी जी, अभी आंसर देना शुरू कर दो। हाँ स्वामी जी। ओके ओके, पहली बात तो ये कि आपने कहा कि हमारे समाज में कहो या हमारी हिस्ट्री को चेक करेंगे तो ज्यादातर जिसको हम भगवान मानते हैं, ऐसे ज्ञानी कहो, वैज्ञानिक कहो, मुक्त पुरुष कहो, वो सब ज्यादातर जेंट्स होते हैं जी। और दूसरी बात ये कहा कि ये स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के अंदर भी कम लेडीज है, यहाँ तो जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज यहाँ है अभी भी बैठी है। हाँ, तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, मगर फिर भी हम ऐसा कहेंगे कि भी व्यवहार से हमारा जो एक समाज है, समाज के अंदर लेडीज के लिए एक मर्यादा होती है, कम से कम बाहर जाने के लिए कहो या कोई फंक्शन में जाने के लिए कहो, प्रोग्राम में जाने के लिए कहो, अकेला जाना एक मर्यादा हो जाती है जी। तो इसकी वजह से भी ये बात हो सकती है। दूसरी बात, लेडीज को डायरेक्टली दे आर कंसर्न विद द फैमिलीज, पुरुष लोग डायरेक्टली नॉट कंसर्न विद द फैमिली, वो पैसा कमाना जानते हैं, बाहर घूमते हैं और बाहर जा भी सकते हैं,
लेडीज को पूरा घर चलाना है, घर की सफाई को लेकर के, खाना पाना लेकर के, बच्चे को संभाल के लेके, घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको संभालना होता है, उसका टाइम कहो, उसका खाना कहो या जो कुछ भी कहो। एक प्रकार की हमारी ये समाज की व्यवस्था है ये, और सदियों से चली आई है जी। तो इसीलिए लेडीज को सोचने का समझने का समय कम मिलता है ड्यू टू द सिचुएशन। मगर ये कहना कि स्त्री मोक्ष में नहीं जाएगी या तो उसके को केवल ज्ञान नहीं होगा, ये बात तो बिल्कुल गलत है, असैद्धांतिक बात है। अच्छा, दिक्कतें होगी, शायद परसेंटेज वाइज कम होगी वो मैं मानता हूँ, मगर इम्पॉसिबल वो नहीं मानता हूं मैं जी। तो इसीलिए, और इसीलिए मैं तो समझता हूं कि आज व्यवहार में भी देखेंगे, व्यवहार में तो भी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो लेडीजों को बहुत ही एनकरेज करती है, एनकरेज करते हैं, और हर फील्ड में उसका रोल हो गया जो पहले नहीं था। आज मिलिट्री में देखो, या तो फाइटर जेट में देखो, सबमरीन में देखो, या कोई भी फील्ड में देखो, आप पुलिस के पोस्ट पर भी देखोगे तो हर फील्ड में लेडीज अपना अपना योगदान देती है, देश की रक्षा के लिए कहो, शिक्षा के लिए कहो, इवन तो साइंटिस्ट कहो, हर फील्ड में महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है, और ये हमारे देश का एक सद्भाग्य है कि आज महिला भी आगे आ रही है। तो एक दूसरे का हाथ बढ़ता है तो समाज को आगे बढ़ने में सहयोग होता है, और एक दूसरे को समझने में भी सहयोग होता है, अच्छी बात है। तो इसीलिए एकांतिक ये बोलना कि स्त्रियों का मोक्ष नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, असैद्धांतिक बात है, क्योंकि आत्मा कोई स्त्री पुरुष नहीं है। स्त्री पुरुष तो बॉडी का टाइटल है, आत्मा में लेडीज जेंट्स नहीं होता है। तो अच्छा। और दूसरी बात ये कि पुरुषार्थ करना है, जब हम भौतिक धार्मिक और सामाजिक बात करेंगे तब तो रिलेटिव सत्य की मर्यादा आएगी, रिलेटिव सत्य की, चाहे धार्मिक बात करो चाहे सामाजिक बात करो, मगर जब हम अध्यात्म की बात करेंगे तो उसमें रिलेटिव सत्य की कोई मर्यादा बीच में नहीं आती है। इसीलिए यहाँ अध्यात्म के मार्ग में ज्यादातर लेडीज अपने आप जुड़ेगी, क्योंकि यहाँ कोई जो सोशल एंड रिलीजियस जो रिस्ट्रिक्शन है हमारे भारत वर्ष के अंदर वो यहाँ है ही नहीं, और जरूरत भी नहीं है। यहाँ जो भी बात होती है, वो जो भी बात होती है वो विजन की होती है, एक्शन की नहीं होती है, और समाज और धर्म एक्शन से चलता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस। हाँ जी, हाँ जी। समाज में और धर्म में एक्शन इज इम्पोर्टेंट, सो देयर इज सम लिमिटेशंस ऑफ द लेडी। यहाँ मैं विजन की बात करूंगा तो लेडीज और जेंट्स में कोई फर्क नहीं रहेगा, इट इज अ इनर मैटर। करेक्ट। अभी आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, उदाहरण जो मिलते हैं या जो भी पास्ट है, या 24 तीर्थंकर महावीर या फिर राम कृष्ण, जो भी जितने भी लोगों का जो उदाहरण लिया जाता है वो सिर्फ पुरुषों का है, कहीं भी उल्लेख कोई भी स्त्री का जो मोक्ष मार्ग में गई या वो मोक्ष पाम हो गई है उसका कहीं भी उल्लेख नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि क्या स्त्री नहीं हो पाती है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, बहुत हो चुकी है, बहुत हो चुकी है। अच्छा, शायद समाज में एग्जाम्पल के तौर पे लोगों को पेश नहीं किया जा सकता है। हाँ, नहीं करते हैं हमारे साधु लोग, सन्यासी लोग, वो एक अलग बात है। मगर इतिहास में बहुत सारी स्त्रियां मोक्ष में गई है, ऐसा एग्जाम्पल है, खास करके जैनिज्म में तो बहुत है। अच्छा, मैं जैन नहीं हूं। और बहुत सारे लोगों की कहानी भी है। अच्छा, जैसे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल, ऋषभदेव भगवान का नाम सुना होगा आपने, ऋषभदेव भगवान आदि नाम। हाँ, ऋषभदेव भगवान का तो सुना है। तो ऋषभदेव भगवान की माता, हाँ, मरुदेवी माता, हाँ, वो तो केवल ज्ञान हुआ, वही अवतार मोक्ष में गए थे, वो पहला एग्जाम्पल की बात करता हूँ। अच्छा, तो यानी ऐसे तो बहुत सारे, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। नहीं, बराबर है, लेकिन मैं आपका बहुत फॉलो करती हूँ और मैं सब सुनती हूँ आपके, बहुत सारे जो भी मिस हो गए उसका वीडियो भी मैं सुन लेती हूँ, कुछ टिप्पणियां भी निकालती हूँ, कुछ समझ के चलती हूँ। कमलेश भाई का भी क्लास मैंने ज्वाइन किया है, तो मतलब हाँ, तो ऐसा है कि दिमाग में एक ही चलता है कि क्या पुरुष का ही सिर्फ मोक्ष मार्ग के ऊपर चलना है या फिर स्त्रियों का भी। हाँ, आत्मा के गुण से तो हम एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये तो मुझे बहुत पहले ही आप, मतलब आपके
वीडियोस में पता चल गया था कि आपने तो बहुत अच्छा हमको समझाया है वो चीज, जिससे हमने इतना अच्छा अनुभव भी ले रहे हैं उसका, और बता भी रहे हैं और उसका उपयोग भी कर रहे हैं हम, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, बहुत अच्छा लगा जब। आप क्या करते हैं वैसे? नहीं, अभी तो मैं रिटायर हो चुकी हूँ, अभी मैं घर पे ही। क्या करते थे? हिंदी, मैं केमिकल इंजीनियर। भावना के ऊपर जो आपने बताया उसके ऊपर तो हा हो गया हमको तो। भावना के ऊपर हमने जो काम करने का शुरू किया उसके बाद में, इससे तो बहुत फर्क पड़ा है। प्रगति भी अच्छी हो रही है, आपके आशीर्वाद रहने दो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप कमलेश भाई को आप इंटरव्यू देके आप जुड़ना, आपने 50 सत्संग तो ज्यादा सुना होगा शायद। हाँ, मैंने सुने हैं, मैंने तो बहुत सुने। बस तो आज कमलेश भाई को इंटरव्यू देके आप जुड़ना चाहते हैं उस स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के सेमिनार में, थर्ड सेमिनार में, तो आप जुड़ सकते हैं। जी जी, इंटरव्यू देके दो सेमिनार मैंने अटेंड किया, अभी थर्ड भी मैं वापस करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने मैं ज्यादा उनको लिख के नहीं बता पाई हूँ, अभी लिखने का भी शुरू कर रही हूँ मैं। ओके ओके, हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। समरेश भाई, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अभी जो नैना बेन ने प्रश्न किया उसके मैं और एक हम ये भी बता सकते हैं, खाली मोक्ष के लिए नहीं, अपना लास्ट 24 तीर्थंकर में एक क्या नाम है, वो एक तीर्थंकर भगवान भी बन गए, वो भी मल्लीनाथ भगवान, वो तीर्थंकर भी बन गए। खाली मोक्ष की बात नहीं है, तीर्थंकर भगवान मोक्ष कल्याण माने स्त्री भी जगत कल्याण के लिए काम कर सकते हैं, वो खाली मैं बताना चाहता हूँ। और हाँ, दूसरा एक हमारा लास्ट सेशन में एक थोड़ा डिस्कशन हुआ था मुझे स्वामी जी, उसके पहले थोड़ा देर हमारा जब ये वो ये जड़ और चेतन जब साथ में आए तभी वो अज्ञान अहंकार का अहंकार की उत्पत्ति हुई, राइट स्वामी जी? और वो ही अज्ञान है, तो अपना उसको बेसिकली फंडामेंटली ये परमाणु और चेतन उसका मूलभूत जो गुणधर्म है उसमें कुछ भी असर नहीं होता है स्वामी जी, बराबर है? मूलभूत गुणधर्म जो एज ए इंडिविजुअल छह तत्व तो अविनाशी है, अपने को खाली इस ये अहंकार से अपने को ये डिस्चार्ज और चार्ज अहंकार से अपने को इस अज्ञान मिटाना है, एक चीज है। तो स्वामी जी अज्ञान पूरा अज्ञान नाश हो जाता है तो अपना ये आत्मा का चेतन का जो चार मूलभूत गुणधर्म है स्वामी जी, चार पांच, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख, जिससे अमूर्त और अपना अगुण लघु जो भी है वो, तो स्वामी वो तो अपना मूलभूत गुण है। तो ये ऐसा ये हुआ कि जब भी अपने को केवल दर्शन होता है तभी ये केवल दर्शन नाम का गुण ऐसा ही रहता है कि उसका उसका विनाश हो जाता है। आत्मा के गुण की बात करते हैं। हाँ, मैंने तो कहा तो है कि वो तो आत्मा का गुण तो क्वालिटी वाचक है, फिर जरूरत ही नहीं है उसको। हाँ नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन अपना वो तो रहता तो है नहीं, बस दैट इज अ पॉइंट प्रिंसिपल अपना। एक एक बात सिंपल ध्यान रख दो कि जो चीज जरूरत नहीं है वो होना न होने का मतलब क्या है, और इसीलिए मैंने उसको क्वालिटी वाचक कहा। क्या कहा? क्वांटिटी वाचक नहीं कहा है। नहीं स्वामी जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का ये अपना दिस विजन में बैठा है कि उसका विनाश हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, तो वो नाश किसने कहा? हाँ, नाश हो जाता है वो किसने कहा? नहीं नहीं, वो बहुत से अपना दिस साइंटिस्ट, वो अपना जो ग्रुप में था बहुत लोगों का वो अपना बिलीफ है स्वामी जी के, बोले स्वामी जी ने बोला है। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा है कि विनाश हो जाता है, मैंने कहा कि आत्मा की जरूरत नहीं है। यस यस स्वामी जी, जब जब बॉडी के साथ होगा तभी वो एक्टिव होगा, बाद में इनएक्टिव हो जाएगा, यानी वो क्वालिटी के रूप में रहेगा, सिर्फ ज्ञान के रूप में रहेगा, फिर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति के रूप में नहीं रहेगा, सिर्फ अनंत ज्ञान के रूप में ही रहेगा। नहीं नहीं स्वामी जी, आपने बताया वही, और वो दूसरा अपने मोक्ष में भी,
हाँ सॉरी सॉरी बोलिए स्वामी स्वामी जी आप बोलिए सॉरी 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 आप तो कंसंट्रेट हो तो इसके लिए नहीं होना या नाश होना, नाश होने का तो शब्द प्रयोग की जरूरत भी नहीं है। विनाशी जो प्राकृतिक गुण होते हैं वो नाश हो जाते हैं, आत्मा की कोई भी क्वालिटी नाश नहीं होती है, वो संक्षिप्त हो जाती है और वो ज्ञान के रूप में परमानेंट हो जाती है। और मैंने उसके एग्जाम्पल भी दिए है आपको, राइट? नहीं नहीं बराबर राइट राइट नहीं नहीं वही स्वामी जी अपना मोक्ष, मोक्ष में भी है, मोक्ष में भी स्वामी जी ऐसा ही अपना दिस अपना आनंद सुख ही सुख है, बाद में और कोई अपना तीनों गुण की कोई जरूरत ही नहीं रहती है उसकी। नहीं आप मतलब नहीं है, लेकिन अपना वो पूरा इनएक्टिव हो गया, उसकी जरूरत नहीं है। वही तो मैं कहता हूँ, स्वामी जी आपने जो किया वही वही मैं भी समझ मेरी वही है, लेकिन अपना जिस बहुत से लोगों ने बहुत अपना वहां पे अपना पूरा ये डिबेट हो गया था, दे वर नॉट दिस रेडी टू एक्सेप्ट, नहीं स्वामी जी ने बोला मेरे को, ठीक है स्वामी जी ऐसा बोल नहीं सकते, कौन सा इसमें बोला होगा, अगर मैंने सुनना पड़ेगा, कहा होता तो ये कहा होता कि वहां जाके कोई एक्टिव फॉर्म में उसका रोल नहीं होता है। हाँ, बस आप समझे ना, वही कंफर्म करने बस वही आप, आपको एक बताना था कि भी ये क्या है तो क्लैरिफाई कर ले, तो अपने दूसरे सिद्धांत सिद्धांत की बात तो कभी खंडित नहीं होती ना, आप जब कहेंगे कि अविनाशी होता है, आप नाश कहोगे तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। हाँ वो वही ना स्वामी जी, मैं सिद्धांत के दृष्टि से मैं उसको मैं आपको ये अपना ऐसा मेरे को स्वामी जी ने ऐसा बोलते हुए मुने कभी सुना नहीं है, आप लोगों ने सुना तो फिर मुझे अपना फिर से स्वामी से बात करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अभी और ओ, कोई प्रश्न? ओके स्वामी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। परसों सत्संग में आपने एक बात कही थी गुजराती के सत्संग में कि स्पोर्ट के बारे में जो एनर्जी ऊर्जा हुए वो ऊर्जा जो आत्मा का जो भी गुण है उसे इंद्रिय का कुछ इंद्रिय का सुख में सुख है ऐसा बिलीफ से कारण वो स्पॉट हो जाता है, वो कुछ बताया था आपको अपने उसको हिंदी में बताएंगी? नहीं मैं समझ नहीं पाया, मैंने बताया था मगर आपने अभी क्या प्रेजेंट किया मैंने समझ पाया कि कौन सी बात आप पर्टिकुलर पूछना चाहते हैं। वो ऊर्जा के बारे में था कि वो स्पॉट के कारण वो वो बताया, मैं विस्पर समझ गया। मैं क्या कहता हूँ, आत्मा तो अनंत शक्ति वाला है, मगर अनंत शक्ति वाला वो ज्ञान के आधार से अनंत शक्ति है उनकी, वो फिजिकल शक्ति नहीं है उनकी। अनंत ज्ञान है वही उनकी शक्ति है, और ज्ञान ज्ञान को शक्ति कैसे बोला जाता है वो कभी सेपरेटली लेंगे। तो ये जो अनंत ज्ञान है वो ज्ञान को ब्रेक करके आप संसार में सुख पाने के लिए साधन पाने के लिए संपत्ति पाने के लिए जो आप बाहर निकले वो विस्फोट हो गया। हाँ। अनंत ज्ञान वाला भी वहां से आप क्रॉस करके बाहर निकल गए। हाँ, हाँ, याने आत्मा के अंदर अनंत शक्ति तो है, अनंत ज्ञान है, फिर भी आपने बाहर शक्तियों को ढूंढने का प्रयास किया, वही तो विस्फोट हो गया, तभी तो आपका जन्म मरण चालू हो गया। अच्छा, तो वो आपने जो स्पोर्ट को या वो भाव के भाव को एक्सप्रेस किया भाव में भावी भावी। हाँ, तो प्रतिष्ठित आत्मा जो आपने आत्मा का स्वरूप न जान के विभाव में भाव करता है तब उसका विस्फोट बोल रहे हैं ना, तो भाव हाँ, करने के लिए विस्फोट हो का हाँ, एनर्जी ऊर्जा हाँ, यूज होता है। जी जी जी, जी। जब वो बाहर ढूंढने के लिए निकला तभी तो फंस गया ना। हाँ, तो वो एनर्जी जो है, अगर अगर अनंत शक्ति कहो, अनंत ज्ञान कहो, अनंत सुख कहो, अनंत दर्शन कहो, अगर वो मेरे पास ही है तो फिर ढूंढने की क्या जरूरत थी। हाँ, मगर वो निकला और फिर फंस गया। हाँ, समझ में आया। हाँ हाँ हाँ, और आज भी हम जितना भी
आज भी हम जितना भी ज्ञान कहो, सुख कहो, शक्ति कहो, अगर बाहर ढूंढने का प्रयास करेंगे इतना आप फेल होंगे। और इसीलिए मैं सत्संग में बार बार आप सबको एज अ साइंटिस्ट बोलता हूं कि मन वचन क्या है कि हर अवस्था को सिर्फ ओनली कुदरती रचना के रूप में ही देखो, इसमें डीप में जाने की, इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करो। जितना जाओगे आपको पजल ही होगा, मैंने बार बार कहा है कि नहीं कहा है? कहा है स्वामी जी, कहा है। क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। जब मैं खुद चेतन हूँ, मैं खुद अविनाशी हूँ, मैं खुद अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख वाला हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, और उसी का मेरे को अनुभव करना है। अभी प्रकृति कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि वो तो क्रिएशन है कुदरत का, और मेरी अज्ञानता का ये फल है, ये प्रकृति अज्ञानता का फल है। Why I am involved and enter unnecessarily? और जो कुछ हिसाब लेना है वो तो कुदरत दे देंगे। इंटरेस्ट देने की क्या जरूरत है? जब आपको खुद का ही अनुभव करना है, खुद की शक्ति का अनुभव करना है, तो फिर उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत क्या है? बाईपास होने दो जो भी है। स्वामी जी, वो ऊर्जा जो भाव करने के टाइम में विस्फोट होके वो एनर्जी जो बांध देता है वो कॉजल बॉडी के रूप में, वही बाद में डिस्चार्ज होती है। जी, वो एनर्जी जो कॉजल बॉडी बनने की यूज हुई थी वो छह तत्वों को यूज करती है ना स्वामी जी, वो छह तत्वों का एनर्जी भी इसमें समाव होता है। क्योंकि आपने कोई भी विनाशी अवस्थाओं का भाव किया तो विनाशी विनाशी तत्व ही तो आपको हेल्प करेंगे ना। हाँ, क्योंकि रोल भी उसका ही तो है। हाँ, तो यहाँ कॉज के फॉर्म में होगा, वहां इफेक्ट के फॉर्म में होगा। हाँ, तो इफेक्ट देने के लिए सिर्फ तब कुदरत का रोल आता है। पांच एलिमेंट का और छह कैटलिस्ट की तरह रहेगा। आत्मा तो कैटलिस्ट के हिसाब से ही रहेगा, और बाकी के पांच तत्व भी कैटलिस्ट ही हैं, मगर बाकी के जो पांच तत्व है वो अवस्था खड़ा करने के लिए सहायक होते हैं, तो इसीलिए अवस्था के रूप में वो विनाशी हो जाते हैं। जड़ तत्व कहो, गति सहायक, क्षति सहायक, टाइम एंड स्पेस, वो अवस्था के रूप में विनाशी हो गए, मगर एलिमेंट्स के रूप में परमानेंट है। और अगर आत्मा को हम अवस्था के रूप में नापना जाए तो आत्मा की अवस्था का मतलब होता है अज्ञानता, जिसे ये संसार खड़ा हुआ। आप समझे? जैसे यहाँ अवस्था की बात का विनाशी अवस्था हो, विनाशी तत्व की, अविनाशी तत्व की जो अवस्था है वो विनाशी है, ऐसे यहाँ आत्मा की हाजिरी में जो अवस्था के रूप में अज्ञान खड़ा हुआ वो भी तो विनाशी है। और बिना आत्मा अज्ञान भी खड़ा नहीं होगा। Am I right or wrong? Yes, 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 right. जड़ को तो अज्ञान भी नहीं होता है। ये समझने के लिए, आपको समझने के लिए। सही है समझिए, सही है। तो ये आपने काल और स्पेस एक ही एक में हम समा सकते हैं ऐसे भी कहा कि काल स्पेस में ही काल समा सकता है? नहीं, मैंने क्या कहा, टाइम एंड स्पेस अगर आपके विजन में एक हो गए बस वही तो केवल ज्ञान है। फिर नो डिविजन, नो पास्ट, नो फ्यूचर, ऑलवेज इन प्रेजेंट, एक हो गया, नॉट टेम्पररी। इट इज परमानेंट मीन्स इट इज केवल ज्ञान, फिर नो पास्ट एंड नो फ्यूचर, प्रेजेंट। सचमुच तो टाइम एक ही है, प्रेजेंट ही है, तो काल एक और स्पेस एक में ही सचमुच में एक ही है स्वामी जी? नहीं, काल जो है वो का समय तत्व जो है, समय तत्व वो प्रेजेंट में ही है। मगर समय तत्व जब अवस्था के रूप में काम करते हैं तो किसी को लाइफ के रूप में हेल्प करते हैं,
किसी को भुगतान के रूप में हेल्प करते हैं, किसी के आयु के रूप में हेल्प करते हैं, चाहे व्यक्ति कहो चाहे मटेरियल कहो। हाँ, हाँ. तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक इसको टाइम से ही नापा जाएगा ना। हर हर चीज को आप देखोगे ना तो रिलेटिविटी है, रिलेटिविटी सब्जेक्टिव है, रियल सब्जेक्टिव नहीं है, रियल परमानेंट है और रिलेटिविटी सब्जेक्टिव है। आपके आपके इम्पोर्टेंट के ऊपर आधारित है। अभी स्वामी जी मैंने हमारे हमारे जो इंटेंशन है भावे हमको मोक्ष में जाना है या कुछ विज्ञान जाना है तो हमारे भाव से ही खड़ा होता है एक सर्कमस्टेंसेस यानी एक गुरु मिलना या ज्ञानी मिलना। तो ज्ञानी और सर्कमस्टेंसेस खड़ा होता है वो भाव से और केवल ज्ञान होता है शून्य से, अज्ञान शून्य हो गया तो वो केवल ज्ञान। तो गुरु और शिष्य में सचमुच कुछ भेद है स्वामी जी? बिल्कुल नहीं है। गुरु और शिष्य में भेद क्या होता है? जो गुरु ने पाया वो शिष्य पाना चाहते हैं, इतना ही तो डिफरेंस है। गुरु शिष्य का एक स्टेप के हिसाब से डिफरेंस है। अगर कोई व्यक्ति दसवीं क्लास में पढ़ती है पढ़ता है कोई और मैं पांचवी क्लास में पढ़ता हूँ तो वो मेरे को पढ़ा सकते हैं। आप समझे ना? ऐसा है गुरु। गुरु का मतलब और कुछ नहीं है। आज के गुरु की बात अलग है। आध्यात्मिक जगत में गुरु का मतलब होता है मैं आगे चल रहा हूँ और आप पीछे पीछे आ रहे हैं तो मैं गाइड कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होगा, तो बी अवेयर, दैट्स इट। गुरु का मतलब होता है कि गुरु का मतलब मैं गुरु हो गए आप शिष्य हो गए तो आप मेरे गुलाम हो गए। उस प्रकार का माहौल उस जमाने में नहीं था जो आज है। तो आज के जमाने की गुरु शिष्य की बात अलग है। ज्ञानी पुरुष ऐसे उनका शिष्य या कुछ भी उनको फॉलोअर्स है उनको और अपने में कुछ भेद नहीं दिखते हैं ना समझी? बिल्कुल नहीं दिखते, क्योंकि आत्मा तो दोनों का एक ही इक्वल क्वालिटीज का है और प्रकृति का दोनों की प्रकृति का कंट्रोलर भी कुदरत है, तो डिफरेंस कहाँ है? वो ज्ञान उन्होंने ज्ञान को माइनस कर दिया है कई हद तक, आपको माइनस करना बाकी है। देयर इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द साइंटिस्ट एंड द बिगिनर बिगिनर। सही है, आप समझे? हाँ, यहाँ प्रकृति का डिफरेंस नहीं देखना है, आत्मा का नहीं देखना है, खत्म हो गई बात। सही बात, जय सच्चिदानंद। तो यहाँ इतनी सिंपल बात है कि यहाँ अध्यात्म के मार्ग में जो अनुभवी होते हैं उन्होंने अज्ञान नाश करके आगे बढ़ गए और आपको अज्ञान नाश करने का रास्ता बताते हैं। दैट इज ओनली डिफरेंट, नथिंग एल्स। तुम अच्छा व्यवहार करते हो बुरा करते हो, मैं अच्छा करता हूँ बुरा करता हूँ, वो सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वो कुदरती रचना में चला गया। दोनों का उदय कर्म के कारण मिलते हैं। तो गुरु शिष्य का मतलब रिलेटिव सत्य नहीं है। एक्सपीरियंस पर्सन, यहाँ एक्सपीरियंस पर्सन की वैल्यू है, स्टेटस की नहीं, रिलेटिव स्टेटस की नहीं, एक्सपीरियंस। यस यस। और धर्म में तो गद्दी की वैल्यू है, तो गादी पे कौन बैठा है भले अनुभव है कि नहीं तो वो वैल्यू होती है। तो यहाँ वो सब्जेक्ट नहीं है। और इसीलिए मैं सत्संग में भी आपको ये विज्ञान समझाते समझाते आपको ये भी कहता हूँ कि आपको मेरी प्रकृति का या मेरे शब्दों को ही पकड़ना या रटना नहीं है। मैं जो विज्ञान कह रहा हूँ वो ही समझना है, वो ही दृष्टि से संजोगों में उपयोग करना है और वही विज्ञान का आपको अनुभव करना है और वही अनुभव दूसरे को शेयर करना है। उसमें मैं गुरु हूँ और आप शिष्य है और मेरी बात ही मानो, मेरी बात ही दूसरे को बताओ, वो तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा ना। सही है, क्योंकि आज मेरे को जो अनुभव है वो सनातन सत्य का है और वही सनातन सत्य का आपको अनुभव करना है, मेरा तो करना नहीं है, ये प्रकृति का तो करना नहीं है। तो इसीलिए यहाँ गुरु शिष्य का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। आपके जो विजन आपका जैसे खुला हुआ, क्या हमारा भी ऐसा विजन खुला हो सकता है समझी
100% क्यों नहीं विजन का मतलब हम तो सनातन सत्य समझना चाहते हैं। प्रकृति के डिफरेंस हो सकता है, सनातन से तो एक ही था, एक ही है और एक रहेगा। और इसीलिए तो मैंने कहा जिसको भी मोक्ष में जाना है, जिसको भी मुक्ति में के मार्ग में आगे जाना है, जो पहले जा चुके थे, जो पहले जा चुके हैं और अभी भी वर्तमान में जाते हैं या तो भविष्य में भी जाएंगे, सबको ये विज्ञान समझना ही पड़ेगा। बिना ये सनातन विज्ञान समझे आध्यात्म के मार्ग में प्रगति संभव है ही नहीं। और ये सनातन विज्ञान किसी की ओनरशिप का और क्रिएशन का नहीं है, उसके साथ कोई व्यक्ति का टाइटल का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मेरा यह क्वेश्चन थोड़ा इससे रिलेटेड था, ये केवल दर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जैसे हम बोलते हैं कि आत्मा जो है वो तो अनंत ज्ञान वाला है, ठीक है, लेकिन जो दर्शन है, दर्शन का जो गुण है वो अनुभव जो अपना प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो करता है ना, दर्शन दर्शन का जो अनुभव है वो तो प्रतिष्ठित आत्मा ही करता है ना, विथ रेफरेंस टू आत्मा, करेक्ट है ना? समझ गया, हाँ बोलिए मैं सुन रहा हूँ। तो अभी कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ठीक है, अगर जब सिद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो सिद्ध क्षेत्र में अगर जब आत्मा जाता है तो दो ही चीजें बचती है, आत्मा और दूसरा स्पेस। तो आत्मा का गुण तो अनंत ज्ञान वाला है, तो देखना जानना तो उसका गुण, देखना जानना उसका गुण तो है नहीं। फिर बोलिए, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए प्रश्न आपका, प्रश्न होगा उत्तर उसका उत्तर दूंगा मैं। हाँ तो मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जो दर्शन वाला जो पार्ट है वो दर्शन किसके उसमें आता है, ये आत्मा में आता है या फिर आपका ये प्रतिष्ठित आत्मा वाला पार्ट में आता है, किसमें आता है दर्शन वाला? कोई भी व्यक्ति जब मोक्ष में जाएंगे तो उसको केवल ज्ञान कहेंगे या केवल ज्ञान दर्शन कहेंगे? केवल ज्ञान होगा ना, केवल ज्ञान तो होगा उसको, तब उसके बाद तो दर्शन तो शब्द नहीं, दर्शन शब्द नहीं आया ना। हाँ तो दर्शन पर किस, दर्शन मतलब किसमें आएगा? केवल इसमें शुद्ध आत्मा में नहीं आएगा, पहले आएगा अज्ञान को नाश करने के लिए, मतलब विद रेफरेंस टू शुद्ध आत्मा, मतलब उसका अनुभव जो करेगा वो तो प्रतिष्ठित आत्मा ही करेगा ना, चार्ज वाला जो पार्ट था, दो पार्ट है। प्रतिष्ठित आत्मा को ही दर्शन का अनुभव होता है, मिथ्या दर्शन भी उनके पास था और सम्यक दर्शन का भी अनुभव उसको होगा। और सभी प्रकार का दर्शन का अज्ञान जब निकल गया तो सनातन सत्य जो छह तत्व है वो खुला हो गया, अभी उनके लिए और कोई दर्शन की अवस्थाओं के दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये रिलेटिव सत्य को जानना, देखना, समझना, वो पहले भी आत्मा का रोल था नहीं और अभी भी नहीं है और बाद में भी नहीं रहेगा। पहले भी प्रतिष्ठित आत्मा और प्रकृति का ही स्वभाव था, दुनिया की विनाशी अवस्थाओं का देखना और जानना और अनुभव करना। आत्मा का कभी रोल ही नहीं था। हाँ, आत्मा की हाजिरी में यह होता था, ओनली इन प्रेजेंस, मगर आत्मा का वो स्वभाव देखना जानना नहीं था। और इसीलिए मैंने सत्संग में बार बार कहा है कि आत्मा का स्वभाव विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना है नहीं, वो मैंने बार बार कहा है जी। तो मतलब मैं ये समझ रहा हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन उठा कि जैसे कमरेश भाई ने थोड़ी देर पहले बोला कि ये हमारा ग्रुप में एक डिस्कशन चल रहा था, ये दर्शन वाला गुण का जो बात चल रहा था, ये बात मुझे क्लियर कर दी थी, इसके वजह से बार बार ही मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये दर्शन वाला जो पार्ट है वो है किसका गुण, ये मतलब कौन इसका अनुभव तो प्रतिष्ठित आत्मा ही करता है ना, क्योंकि दर्शन तब तक है, एक बार केवल ज्ञान हो गया तो, क्योंकि आत्मा तो एब्सोल्यूट है, आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप है, वो ऑलरेडी केवल ज्ञान स्वरूप ही है, क्योंकि अगर हमारे पास अगर चार्ज विचार्ज वाला पार्ट ना हो तो वो तो ऑलरेडी है ही, मतलब वो तो मोक्ष में है ही, मतलब उसका जो भी है क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो है चार्ज करके लाए हैं और वो डिस्चार्ज करते हैं और वापस चार्ज करते हैं, तो इसकी वजह से वो आवरण है सिर्फ। तो इसमें सिंपल सी बात यही हो गई कि आत्मा का तो कुछ लेना देना है ही ना उस पार्ट से, मतलब जो भी करना है वो आपको प्रतिष्ठित आत्मा को ही करना है, मतलब अपना अपना जो अज्ञान है, जो भी अज्ञान को खत्म करके जितना जितना आप जो है विज्ञान का यूज करते चले जाओगे, आपका अज्ञान खत्म होता जाएगा, जो आवरण है वो खत्म हो जाएंगे और आपका प्रतिष्ठित आत्मा जो लास्ट वक्त में है वो वहां पे नहीं रहेगा, मतलब आत्मा कौन सा चार्ज वाला,
डिस्चार्ज तो जो रहेगा वो तो रहेगा ही। तो मेरा को यही बार बार कंफ्यूजन होता है, ग्रुप में वही डिस्कशन हो गया कि ये जो केवल दर्शन वाला, जो दर्शन वाला गुण है वो उसका अनुभव कौन है कि आत्मा, क्योंकि ये कहा गया कि रियल रिलेटिव का अनुभव नहीं कर सकता और रिलेटिव रियल का अनुभव नहीं कर सकता। तो अगर दर्शन वाला गुण अगर आत्मा का है तो फिर ये प्रतिष्ठात्मा कैसे अनुभव करेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं बताऊ मैं आपको। अभी आपको दर्शन का जो गुण है उसका जो डिस्क्राइब किया वो रिलेटिव सत्य का है, और आत्मा में जो दर्शन है वो सनातन सत्य का है, वो दोनों डिफरेंस हो गए। ये आपने दोनों जोड़ दिया, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति की जो बात कही, तो आपने वो विनाशी अवस्थाओं का ज्ञान, दर्शन, सुख और शांति को जोड़ दिया, शक्ति को जोड़ दिया। इट इज नॉट करेक्ट। विनाशी ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति, ये सब अनुभव भी करते हैं प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति ही अनुभव करती है। प्रतिष्ठित आत्मा की अज्ञानता से वो खड़ा हुआ है, प्रतिष्ठित आत्मा ही उसकी अनुभूति करती है, और प्रतिष्ठित आत्मा को जब लगेगा कि ये तो रिलेटिव सत्य है, तो मगर रिलेटिव सत्य को खत्म करने के लिए, रिलेटिव सत्य की इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए जब सनातन सत्य की दृष्टि नहीं पाएगा तो वो खत्म कैसे होगी? वैल्यू ऑफ द रिलेटिव ट्रूथ, इफ यू हैव टू डिस्ट्रॉय, यू रिक्वायर द यूनिवर्सल ट्रूथ। विद द हेल्प ऑफ विजन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ यू कैन डिस्ट्रॉय द रिलेटिव ट्रूथ। एम आई राइट और रॉन्ग? That's it. That's the procedure. That is the procedure. तो जो विनाशी ज्ञान दर्शन है वो हम कहते हैं ना कि भाई ये तो ज्ञाता दृष्टा वो आत्मा का स्वभाव है, प्रकृति को देखने जानने का आत्मा का स्वभाव है, प्रकृति को समझना वो आत्मा का स्वभाव है। तो ये जो भ्रांति है वो भ्रांति मैंने तोड़ दिया। और दादा भगवान ने तो एक शब्दों में कहा है कि प्रकृति का एक भी गुण आत्मा में नहीं है और आत्मा का एक भी गुण प्रकृति में नहीं है, वो क्लियर बता दिया है। फिर भी आप लोगों को कंफ्यूजन है। तो जो आत्मा में जो ज्ञान दर्शन का गुण है और प्रतिष्ठित आत्मा में ज्ञान दर्शन का गुण है, वो दोनों क्वालिटी डिफरेंस है। उनके अंदर विनाशी है और आत्मा के अंदर अविनाशी है। अविनाशी का मतलब परपेचुअल एंड परमानेंट, एंड इट इज अ क्वालिटी। एंड टेम्पररी का मतलब क्वांटिटी, आती है जाती है, कम होती है ज्यादा होती है, सब कुछ होएगा टेम्पररी में। मतलब दर्शन तो ये प्रतिष्ठित आत्मा में जो सब कुछ होगा इसमें। तो दर्शन का गुण मतलब आत्मा का ही है, मतलब ये मतलब मैं समझू ओरिजिनल जो है और रहेगा। अभी जो दर्शन की बात करते हैं ना, अभी जो दर्शन की बात करते हैं वो कौन से दर्शन की बात करते हैं? ये जो जगत का जो रिलेटिव सत्य है और धार्मिक सत्य है, सामाजिक सत्य है, उनकी जो हम वैल्यू करते हैं, ये मिथ्या दर्शन है। क्या है? मिथ्या। तो इसको डिवाइड कर, इसको डिमोलिश करना है। कैसे करेंगे? तो उनका रूट क्या है? क्योंकि ये सभी अवस्था पांचों तत्वों से बनी हुई है और आत्मा की हाजिरी से चलती है, करेक्ट? राइट। तो ये जान लिया तो धीरे धीरे ये जो आपका मिथ्या दर्शन है वो डिमोलिश हो जाएगा। और स्वाभाविक दर्शन है वो तो रहेगा, क्योंकि वो पुरुषार्थ नहीं, वो स्वभाव है। और प्रतिष्ठित आत्मा वो विभाव है, स्वभाव नहीं है। और वो विभाव से ही खड़ा हुआ है। और जब विभाव को स्टैंड देने का कारण अज्ञानता है, और अगर अज्ञानता संपूर्ण निकल गई तो उसका अस्तित्व कैसे रहेगा बताइए? तो फिर अभी दर्शन का जैसे गुण, तो चलो मैं समझ गया कि अगर आत्मा का दर्शन गुण है परमानेंट, मतलब सनातन जो गुण है वो दर्शन आत्मा का गुण है, लेकिन जब सिद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो वो गुण नहीं रहता, जैसे वहां पे आत्मा जो है केवल ज्ञान स्वरूप ही रहता है, मोक्ष को चला गया, सिद्ध क्षेत्र चला गया, तो ये गुण वहां पे होता नहीं। इसलिए मेरे को ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि दर्शन वाला गुण वहां होता नहीं, ऐसा नहीं बोलो, वहां आप समझे नहीं, वहां होता नहीं ऐसा नहीं है, वहां जरूरत नहीं है, यूज नहीं है, आप समझो। मतलब रहता है, मतलब रहता है पर यूज नहीं है, ऐसा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप आपके माता पिता है तो उनके आप लड़के हैं, आपके भाई है तो आप उसके भाई हैं, आपकी वाइफ है तो उसके आप हस्बैंड हैं, ठीक है,
तो आप किसी के सन भी है, किसी के भाई भी है, और किसी के हस्बैंड भी है, और किसी के पिता भी है। एग्जाम्पल देता हूँ, एंड यू आर द ओनली वन पर्सन, राइट? राइट। अगर फादर मदर गुजर गए तो आप किसी के लड़के नहीं है राइट नाउ, फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म। अगर कोई भाई नहीं है तो आप भी भाई किसी के नहीं है जी, ठीक है। अगर आपके बच्चे आपकी वाइफ भी शादी होने के बाद चली गई तो आप किसी के हस्बैंड अभी नहीं है। हाँ, फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है। हाँ, और आपके बच्चे भी नहीं हुए हैं, बच्चे होने के बाद मर गए तो आप फादर भी नहीं है। बिल्कुल। तो आप है भी और नहीं भी है, डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस। ओके, मगर आप तो है, ठीक है। ये चारों संबंध थे तभी आप थे, चारों में से एक भी नहीं है तो भी आप हैं, तो यू आर परमानेंट इन टर्म्स ऑफ रिलेटिविटी। ऐसे आत्मा का दर्शन तो परमानेंट है, अवस्था का दर्शन जो टेम्पररी था वो खत्म हो गया है, तो वहां वो जरूरी नहीं है। और परमानेंट तो था, है और रहेगा, मगर वहां यूज नहीं है। पर बस एक ही चीज और रह गई, पर स्वामी जी एक बात वापस आती है कि अभी जो आत्मा का जो गुण है जो वो तो परमानेंट है, मतलब वो तो परमानेंट है, और जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो तो परमानेंट नहीं है, वो तो जल का स्वभाव। हाँ, तो टेम्पररी, जैसे ये सुना है कि जो मतलब टेम्पररी चीज है वो क्या नाम परमानेंट का अनुभव नहीं कर सकती, और परमानेंट जो है वो इसका टेम्पररी का अनुभव नहीं कर सकती, तो फिर ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर उसका गुण है तो फिर उसका अनुभव कैसे करेगा शुद्धात्मा, जो सॉरी अशुद्धात्मा का अनुभव ये कैसे करेगा, क्योंकि अगर दर्शन गुण इसका हो गया सनातन, मतलब जो बोल रहे हैं ना कि प्योर जो दर्शन का गुण आत्मा का है, तो फिर ये जो प्रतिष्ठित आत्मा हमारा चार्ज वाला है वो कैसे अनुभव करेगा उसका, वो तो जड़ है और ये वो क्या नाम है परमानेंट है। नहीं तो किसने बोला आपको कि प्रतिष्ठित आत्मा आत्मा का अनुभव करते है, किसने कहा आपको? नहीं तो फिर उसको जो विज्ञान का यूज करके बाद में तो प्रतिष्ठित आत्मा खत्म हो जाता है ना आपका जो चार्ज वाला पर। खत्म हो जाता है वो कहा है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा ने आत्मा का अनुभव किया मैंने कब कहा, मैंने आपका जो प्रश्न है वो मैंने कब कहा ये मैं पूछता हूँ आपको, मैंने तो कभी कहा नहीं है। अच्छा, तो तो फिर दर्शन का अनुभव, फिर ये दर्शन वाला जो, अच्छा ठीक है, अभी अभी क्लियर हो गया, मतलब आप जो बता रहे हैं कि ठीक है, मतलब दर्शन का प्रतिष्ठित आत्मा से कुछ नहीं है, वो तो जैसे जैसे आप विज्ञान यूज करते जाओगे आपका जो है ज्ञान खत्म होता जाएगा, और आपका प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो लास्ट वर्ष में आपका जो चार्ज वाला प्रतिष्ठित आत्मा है वो नहीं हो जाएगा, अज्ञान के साथ ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी क्लियर हो गया। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। उस दिन जिक्र हो रहा था स्पेस एंड टाइम का, जो भौतिक विज्ञान, जय सच्चिदानंद, जो भौतिक विज्ञान में स्पेस जो है थ्री डायमेंशंस है, स्पेस जो है विच इज रिप्रेजेंटेड इन थ्री डायमेंशंस, ओके, और टाइम जो है सिंगल डायमेंशन का है, ओके, when they come together space and time it becomes four dimension figure. तो टाइम जो है सिंगल डायमेंशन है, इसलिए उसका कोई लेंथ नहीं है, उसकी कोई ऊंचाई नहीं है, उसका कुछ नहीं है, वो डॉट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इन प्रेजेंट ओनली। टाइम इज ऑलवेज इन प्रेजेंट बिकॉज टाइम हैज नो लेंथ नो ब्रेथ, इज सिंगल डायमेंशन, और शायद इसी वजह से जो ज्ञानी पुरुष है वो टाइम को प्रेजेंट में देख पाते हैं, क्योंकि टाइम सिंगल डायमेंशन है। ओके, बस मैं यही आपसे बात करना चाह रहा था। टाइम में स्पेस का आपने कहा थ्री डायमेंशन का मतलब क्या मतलब है, जैसे लंबाई, अच्छा अच्छा समझ गया ओके, लंबाई स्केल, हाँ, की बात कहा आपने, स्केल की बात कहा, हाँ स्केल, थ्री डायमेंशंस, हाँ थ्री डायमेंशन स्पेस है, और जब टाइम उसके साथ आता है तो एक्चुअली स्पेस का डायमेंशन नहीं होता है, टाइम का भी नहीं होता है, दोनों का नहीं होता है, और दोनों का होता भी है यू आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव टाइम, देयर इज अ पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, जो टाइम है ना, मेरा कह रहा मतलब ये सिंगल डायमेंशन है, वो डॉट है, मींस देयर इज नो प्रेजेंट, व्यवहार में, व्यवहार में हम जब समय तत्व का बात करेंगे तो तीन डायमेंशन आएगा,
पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हाँ वो कोई भी बात करूंगे तो उसके ऊपर ही आएगी। हाँ कि पहले मैंने ऐसा किया था, अभी मैं कर रहा हूं और बाद में भी ऐसा करूंगा, तो इट्स थ्री डायमेंशन, अपने आप हो गया। हाँ वो रिलेटिव में है, लेकिन रियल में क्या है, दैट इज अ डॉट। रियल में तो, रियल में तो वही तो मैं कहता हूं, रियल में तो स्पेस में भी डायमेंशन नहीं है, वो तो रिलेटिव ही है ना। आपको कोई भी चीज को नापना मतलब वो रिलेटिव ट्रूथ है। यहाँ भी रिलेटिव है, थ्री डायमेंशन जो मैंने बताया टाइम का, वो भी रिलेटिव है। और अगर आपने स्पेस को भी थ्री डायमेंशन बताया, वो भी रिलेटिव है। कुछ को नापना है तो, नहीं नापना है तो स्पेस अनलिमिटेड। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे ज्ञानी पुरुष, जैसे ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान से कोई भी दृश्य को देखते हैं, पास्ट का हो या फिर वो स्पेस में जो है थ्री डायमेंशन पिक्चर उनके सामने आती है। हाँ, वो डॉट जो है ना उसको प्रेजेंट में दिखाता है, वो थ्री डायमेंशन नहीं है, वो प्रेजेंट ही होती है। प्रेजेंट, प्रेजेंट तो टाइम हो गया है, उसको पूरी पिक्चर जो है थ्री डायमेंशन में नजर आती है, ये मेरा कहने का मतलब है। रियल पिक्चर नजर आती है उनको, और रियल पिक्चर नजर आती है। वो आपने थ्री डायमेंशन बोलोगे तो टाइम के हिसाब से बोल सकते हैं, इनको तो प्रेजेंट दिखता है सब। हाँ तो अवस्था प्रेजेंट दिखती है उसमें, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ऐसा डिविजन नहीं होता है उनके विजन में। मगर आप टाइम के हिसाब से बोल सकते हो कि ये पिछले अवतार की बात थी और ये अभी की बात है, और ये बात की आप बात करते हो, आप अवस्था के रूप में थ्री डिवीजन ले सकते हैं। उनको तो प्रेजेंट में ही दिखता है, बिगिनिंग से लेके एंड तक आपने जो बीज डाला है और इसका फल, वहां तक पूरी अवस्था, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। बिगिनिंग का मतलब होता है बीज डाला, एंड का मतलब होता है कर्म फल का एंड। ये पूरी अवस्था पैकेज के रूप में वन फॉर्म में उसको प्रेजेंट में दिखती है, थ्री डायमेंशन में नहीं दिखती है। अच्छा, कभी भी नहीं देखेंगे, प्रेजेंट में ही देखेंगे और फुल फॉर्म में देखेंगे। इसमें से आप जितना प्रश्न करोगे उतना वो करेगा, उत्तर देंगे, मगर उसको प्रेजेंट में देखते हैं, थ्री डायमेंशन में नहीं देखते। मैं भी आप ही की बात का अनुमोदन कर रहा हूँ, लेकिन मैं साइंटिफिकली जो कर रहा हूँ कि थ्री डायमेंशन को पिक्चर जो है ना पूरी दिखाई देती है। इट मीन दैट दे कैन सी इन थ्री डायमेंशन, ओके, थ्री कोऑर्डिनेट पूरे उनको दिखाई देते हैं। और प्रेजेंट में वो इसलिए देखते हैं, इसलिए उनको प्रेजेंट होता है, क्योंकि टाइम जो है ना सिंगल डायमेंशन का है। टाइम में डायमेंशन नहीं है, टाइम इज ए डॉट, डॉट का मतलब है प्रेजेंट ओनली। तो दैट इज व्हाई दे आर इन रियल व्यूअर, पूरी पिक्चर भी नजर आ रही है उनको, जो भी है सीन नजर आ रहा है, और वो प्रेजेंट में नजर आ रहा है, क्योंकि डायमेंशन जो है टाइम की वो सिंगल डायमेंशन है, इसलिए है वो। साइंटिफिकली आई एम जस्ट टेलिंग सर। मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर के अंदर तो हाइट भी होगी, उनका विड्थ भी होगा, ये थ्री डायमेंशन होगा इन टर्म्स ऑफ, करेक्ट? या आप बताइए ना, तो ये करेक्ट बात है। रिलेटिव में कोई भी फिजिकल फॉर्म में तो ऐसा दिखेगा ही आपको, इट इज ट्रू। मगर इनका जो विजन होता है, ज्ञानियों का जो विजन होता है, इसमें पिक्चर के फॉर्म में आप जो कहोगे, पिक्चर के फॉर्म में जो दिखेगा वो थ्री डायमेंशन के फॉर्म में उसको नहीं दिखेगा। इनको तो तत्व के रूप में दिखता है। क्या दिखता है? तत्व के रूप में दिखता है, और वो एक्सप्लेन करते हैं अवस्था के रूप में आपको समझाने के लिए। अच्छा, हाँ तत्व है वो, परमानेंट है, अवस्था टेम्पररी है। तो आपको टेम्पररी दिखते हैं तो पसंद होता है, उनको परमानेंट दिखता है, पसंद नहीं है। मगर आपको एक्सप्लेन करते हैं आपकी भाषा में ताकि आप इसको समझ पाओ। इस दादा भगवान कहते हैं कि मेरा लेवल तो बहुत ऊंचा है, मगर मैं नीचे आके आपके साथ बात करता हूँ। ऐसे अभी आप यहाँ आध्यात्म विज्ञान में आप सत्संग सुन रहे हैं, तो जो आपने 10 साल पहले या 5 साल पहले सुना होगा मेरा सत्संग और आज सुन रहे हैं, उसमें डिफरेंस नहीं है? बहुत डिफरेंस है। तो ये अगर मैंने पहले दिन से ये लेवल की बात किया होता तो क्या होता? पकड़ नहीं पाते। तो इसीलिए ग्रेजुअली मैं धीरे धीरे आप सबको आगे ले जा रहा हूँ।
हाँ, और हम भी आगे आपके साथ बढ़ रहे हैं, ऐसा है कि हमारे को जो जो आप बहुत डीप बातें करते हैं, जो आप डीप बातें करते हैं वो हमको समझ में आती है, पकड़ते हैं हम उसको। अगर आप मुझसे 5 साल पहले 2 साल पहले भी करते तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो मैं ये सोचता था कि मेरे में भी दिमाग है, मुझे समझ में क्यों नहीं आता है, ये मैं सोचता था पहले। बट धीरे धीरे अब जैसे दृष्टि में परिवर्तन होता जा रहा है, और आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू से, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब है कि उसमें क्या है, इंटरेस्ट भी क्रिएट हो रहा है मुझे आप में। और दूसरी बात क्या है कि कुदरती रचना कहो या कुदरती कानून कहो, ये भी इस प्रकार का होता है, ग्रेजुअली पढ़ाई का होता है। हमारी जबान भी इसी प्रकार से निकलेगी, आपका ग्रो भी इसीलिए धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे और तुम्हारे में अंतर क्यों नहीं है। आपको भी साइंस में इंटरेस्ट है, मेरे को भी साइंस में इंटरेस्ट है। हम दोनों का इंटरेस्ट है कि मैं थोड़ा आगे हूँ तो आपको आगे ले जाने का रास्ता बताता हूँ, दैट इज ओनली डिफरेंट। ठीक है, और इसीलिए आप अज्ञानी हो ऐसा या आप कोई शिष्य हो ऐसा कुछ नहीं है। You are only the science, you are also a scientist, equivalent like me. Status is the same, but the standard is different. ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। समझे, एक प्रश्न है, ये पहला अपने अगाव अपने जो अगाव मैंने जो बोला था उसके लिए मैंने ग्रुप में ये दो एग्जांपल दिया था, वो सही है कि नहीं गलत है वो जरा मुझे जरा कंफर्म कर लीजिए। उसके लिए मैंने दो एग्जांपल दिया था कि उसकी जरूरत नहीं है। मान लो MBBS डॉक्टर हो गया, उसके बाद में उसने MS किया, तो वो बाद में MBBS की उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो दैट वॉज द वन ऑफ द एग्जाम्पल आई हैड गिवन टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि भाई ये हिसाब से उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि MS हो गया, हायर डिग्री है, तो अपने उसकी कोई जरूरत नहीं। दूसरा एग्जाम्पल दिया था स्वामी जी ये कि मान लो कभी स्त्री या पुरुष है, उसमें स्त्री में भी पुरुष का भी जिससे परमाणु है और परमाणु में स्त्री का भी परमाणु तो है, लेकिन उसमें परसेंटेज स्त्री में स्त्री का जो परमाणु उसका ज्यादा रहता है, उसमें उसमें कम रहता है। उसका मतलब ये नहीं कि उसमें स्त्री में पुरुष का परमाणु नहीं है और जेंट्स में स्त्री का परमाणु नहीं है, दोनों में है, लेकिन ज्यादा किसकी इम्पोर्टेंस किसकी है उसके हिसाब, जिसमें ज्यादा रहे उसके हिसाब से उसका लिंग उसको मिलता है। दो एग्जाम्पल था स्वामी, वो स्वामी जी सही है, वो तो बराबर है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ स्वामी जी, अभी मेरा ये प्रश्न है स्वामी जी, अपने को 6 तत्वों के रूप में अपने को देखना है, तो स्वामी जी उसका मतलब ये है कि अपने को उसका गुणधर्म के रूप में उसको देखना है, बरोबर, उसके गुणधर्म के रूप में ही देखना है ना उसको, चेत या बाकी 4 तत्वों में भी परमाणु तो है ना स्वामी जी, जड़ के परमाणु, बाकी के 4 तत्व है वो जड़ तत्व को अवस्था के रूप में कन्वर्ट करने के लिए वो सहायक होते हैं। हाँ, और पत्थर का भी पावर होता है, मगर पत्थर वो जड़ हो गया, इलेक्ट्रिक पावर विजिबल हो गया, इनविजिबल हो गया। राइट राइट, मैं किसी को चाटा लगा दूं वो भी पावर है। राइट राइट, ठीक है, और मेरे पास ज्ञान है वो भी पावर है। ओके, अगर दोनों पावर में डिफरेंस है। ओके राइट, लाइक दैट वे। ओके, उसमें उसका इंडिपेंडेंट परमाणु उसमें नहीं है स्वामी जी, दूसरा नहीं नहीं नहीं, नहीं। जड़ ही परमाणु है, जड़ और चेतन, बाकी के जो 4 है वो डिफरेंट काइंड ऑफ पावर्स है, दे हेल्प टू रन द होल वर्ल्ड। स्वामी जी, एक जगह पे मुझे अपना ये पढ़ने में आया था, इसलिए मैं आपसे कंफर्म करना चाहता था कि अपना वो उसमें परमाणु है कि नहीं, तो शायद अपना दूसरा एंगल से शायद लिखा कोई, 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 मैं भी कभी मैंने ऐसा बोल दिया होगा, मैं गलती से। नहीं आपने नहीं, आपने नहीं, आपने स्वामी जी, मेरा और कोई जगह पे पढ़ा हुआ था इसलिए मैं आपको ये ओके का था। ओके ओके स्वामी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कि आत्मा का जो गुण है वो ज्ञान प्रकाशक है
या फिर ज्ञान दर्शन प्रकाश है जो अभी जो कंसेप्ट में जो बात हुई, नहीं ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान दर्शन प्रकाश की जरूरत नहीं है, ज्ञान प्रकाश ही बोलो, ज्ञान प्रकाश की है ना, ठीक है। दर्शन, दर्शन कब होता है, दर्शन का उपयोग कहो, शक्ति का उपयोग कहो, सुख का उपयोग कहो, कब होता है, जब फिजिकल बॉडी होती है, तब ये क्वालिटीज मेरे में है और इसीलिए उस क्वालिटी में जाने की जरूरत नहीं है विनाशी अवस्था में, उनके लिए यूज करने के लिए, बाकी सब ज्ञान में आ जाता है। ज्ञान है तभी तो दर्शन है, ज्ञान है तभी तो सुख है, और ज्ञान है तभी तो शक्ति है। तो स्वामी जी आत्मा का मूल गुण धर्म फिर ज्ञान प्रकाश है ना, ज्ञान ही है ना, अवस्था, मैंने कहा ना अवस्था के रूप में अलग अलग प्रकार की क्वालिटी बताई गई है जी, मतलब दर्शन। और इसीलिए मैंने कहा कि जब केवल ज्ञान हो जाता है तो वो शक्ति जो होती है अपने आप एक ही स्वभाव में आ जाती है, फिर इसको अवस्था के रूप में हम इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे आफ्टर केवल ज्ञान, आफ्टर सिद्ध क्षेत्र। ठीक है, तो ज्ञान प्रकाशक ही मान के चलते हैं, ज्ञान दर्शन प्रकाश उसका मैंने, नहीं। मैंने कई बार कहा है कि आत्मा ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, अकेला प्रकाश नहीं बोलने का है, ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान प्रकाश वो मूल गुण धर्म है, वो मूल है ओरिजिनल। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, जय सच्चिदानंद। अभी प्रार्थना बोल देते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है आपका स्वरूप, वही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, दृष्टि संबंधी जो कुछ भी दोष हो गए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद।